हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रामाराव ऑन ड्यूटी तो और हमारा ऑन ड्यूटी फिल्म का जो हिंदी और तेलुगु वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर बातचीत करने वाले इसके अलावा फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग मिलने वाली है साथ ही में इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दी जाएगी उसकी एनालिसिस की जाएगी स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की जाएगी

जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन ये सभी चीजें शरत मंडावा ने किए हुई है प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर सुधाकर्री ने इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रवि तेजा दिव्यांशा कौशिक राजीशा विज्ञान और वेणु थोतेमपुरी इनके अलावा नजर नरेश पवित्रा लोकेश जॉन विजय चैतन्य कृष्णा तनिकला भरानी राहुल रामाकृष्णन तोतमपल्ली मधु श्री मधुसूदन राव सुरेखा वानी पृथ्वीराज छमक चंद्रा और आवेशी जैन का एक आइटम नंबर है तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ओवरऑल इतने ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सत्यान सूर्या ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग की हुई प्रवीण केले के एल ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 30 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों सेम एम सी ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक राइट से वो टी सीरीज लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए जहाँ पे टोटल पाँच गाने जिसको कंपोज किया हुआ है सी uh, सीएमसीएस ने इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर बातचीत करें तो श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमा और आर टी टीम वर्क जहाँ पे आर टी टीम वर्क रवि तेजा का प्रोडक्शन कंपनी है तो दो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को 50 से साठ करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो ये एक ओवरऑल हाई बजट वाली फिल्म थी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फ़िल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म को पहले तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फ़िल्म को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज किया गया था करीबन एक दो वीक के बाद इस फिल्म का हिंदी वर्जन एक वीक के बाद फिल्म का हिंदी वर्जन प्रीमियर करवाया गया था

ुल्ली फॉरेस्ट ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में इसे अलग अलग के ऊपर शूट किया गया था इस प्रोडक्शन को बाद में स्पेन में ले जाया गया क्योंकि फिल्म में कुछ गाने जो स्पेन के लोकेशन में शूट किए हुए जिसको मार्च दो में शूट किया हुआ था और मार्च महीने में इस फिल्म के कुछ पेज वर्क के सीन से उसको कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे फिल्म को करीबन डेढ़ सौ मिनट जितना सेंसर करवाया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड

लिरिक्स लिखे हुए राके मोली ने सिंगर थे सिद्ध श्रीराम दूसरा गाना है कल्याण चक्रवर्ती ने सिंगर थे हरिप्रिया और नकुल अभियानकर तीसरा गाना है ना पे रूसी जिसके लिरिक्स चंद्र बोस ने लिखे हुए सिंगर थे श्रेया घोषाल और सेम सी एस चौथा गाना है किंग ऑफ क्राउड रामा रॉन्ग ऑन ड्यूटी टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए शरद मंडावा ने जो फिल्म के डिरेक्टर है और गाया हुआ है लविता लोबो ने पांचवा गाना है उरा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कल्याण चक्रवर्ती ने और गाया हुआ श्री रामचंद्र ने तो ये टोटल पांच गाने जिसको आप भी ऑफिशियली यूट्यूब पे टी सीरीज लहरी म्यूजिक के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुन सकते हो अब बात करें कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो रवि तेजा ने बी रामाव यानी कि डिप्यूटी कलेक्टर एम आर ओ का रोल प्ले किया हुआ है दिव्यांशा कौशिक नंदनी के रोल में दिखाई देंगे राजेश अभिजयन को मालिनी का रोल दिया गया था वेणु थोत्मपुड़ी ने सीआई आई जमी मुरली का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने प्रसाद राव का रोल प्ले किया हुआ है जो रामा राव के फादर है नरेश को रामा राव के फादर इन लोगों का रोल दिया गया था पवित्रा लोकेश ने इस फिल्म में महालक्ष्मी वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो रामा राव की माँ है जॉन विजय ने एस पी देवानंद का रोल प्ले किया हुआ है चैतन्य कृष्णा को सुरेंद्र का रोल दिया गया था तनिकला परी ने इस फिल्म कलेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है राहुल रामाकृष्णन आपको आनंद के रोल में दिखाई देंगे तो पल्ली मधु को एम सत्यनारायण का रोल दिया गया है इसके अलावा आवे सी का शीशा नाम का जो किरदार है जो एक आइटम सॉन्ग में देखने को मिलता है ना पेरो शीशा करके आइटम नंबर है उसमें उसमें उन्होंने अपना कैम्योपीरियंस दिया हुआ है तो इस फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इम्पोर्टेंट किरदार को प्ले किए हुए हैं कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी को नाइनटीन में सेट किया हुआ है जहाँ पर राव यानी कि रवि तेजा एक रिवेन्यू ऑफिसर है जो करप्शन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते वो करप्शन पूरी तरह से नफरत का त्यौहार है किसी एक दिन वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड मालिनी से मिलते है, जिसका रोल प्ले कर राजेशा विजयन वो उसके सामने अपने पति की कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ मिसिंग चीज़ें वो उसके सामने रिवील करती है और उससे मदद मांगती है रामा राव इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं गाँव के उसके ऊपर उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने लगती है वो लोग किस तरह से मिसिंग हो रहे हैं उसके अलावा उसके साथ साथ रेड्स एंड ंडलवुड की जो स्मगलिंग हो रही है उसके रिलेटेड कुछ केस दिखाए हुए हैं तो वो किस तरह से कनेक्टेड है इन सभी चीज़ों के पीछे कौन है रामा राव इसको किस तरह से सोल्व करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे फिल्म के प्लॉट को एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग मैनर में सेट किया हुआ था जहाँ पे रवि तेजा ने इस फिल्म में एक सिंसियर परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है रेवेन्यू ऑफिसर के रोल में वो काफी सिंसियरली अपना काम करते हुए नजर आते हैं उनकी परफॉर्मेंस खास करके फिल्म के सेकंड हाफ को काफ़ी दमदार बनाती है उन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स दिखाए हुए उस सीन्स में जिस तरह से रवि तेजा का जो कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आएगी ओवरऑल रवि तेजा इस फिल्म की सोल है जहाँ पे वो पूरी तरह से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं अदरवाइज जो नेरेशन है वो काफ़ी जगह पर लिख करता हुआ नजर आता है नजर इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते जहाँ पे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है तनी क़िला भरानी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने इम्पोर्टेंट किरदार को प्ले किया हुआ है तो पुडु वेणु ने इस फिल्म के साथ एक बढ़िया कम किया हुआ है उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था और उस किरदार में जो नेगेटिव सेड वाला किरदार था उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है जहाँ पर उनकी जो डायलॉग्स थे जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किए हुए आपको ज़रूर पसंद आएगी उनके रोल में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को पकड़ने में कामयाब रहे जहाँ पे इस फिल्म के माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से किया हुआ है स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन सारथ मंडावा ने जिस तरह से एक डिसेंट प्लॉट को नेरेट किया हुआ है वो पूरी तरह से बोरिंग नजर आता है काफ़ी फ्लेट नोट के साथ फिल्म जा रही है और फिल्म के कई सीन्स में तो हाथ पैर नज़र नहीं आते लॉजिक वाले लॉजिक बिना लॉजिक के सीन्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से प्रोसीडिंग देखने को मिलती है वो किसी भी प्रकार का ऑडियंस में इंटरेस्ट क्लियर करने में कामयाब नहीं होती जहाँ पे इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी लेंदे रखा हुआ है जहाँ पे कोई प्रॉपर विलन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है प्रॉपर वे में इस फिल्म में कुछ भी स्टेब्लिश नहीं किया हुआ है इस फिल्म में दो हीरोइन देखने को मिलती है जहाँ पे उनके जो कहानी में जिस तरह से उनको सेटअप किया हुआ है वो टीवी सीरियल के आर्टिस्ट हो ऐसा नजर आ रहा था उनको काफ़ी डल मैनर में फिल्म में दिखाया हुआ है इस फिल्म में कोई प्रॉपर विलन ना होने की वजह से केस जिस तरह से इजी सॉल्व होता है वो सभी चीज़ें आपको काफ़ी खटकती है इसके अलावा फिल्म में कोई प्रॉपर इमोशंस देखने को नहीं मिलते जिस तरह चीज़ों को नेरेट किया हुआ है वो कुछ नहीं कुछ क्रिपिंग नज़र नहीं आती है और जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी फेक लगता है इसके अलावा फिल्म में जो ओवर एक्ट करता हुआ मेन विलन देखने को मिलता है जो ऑडियंस को पूरी तरह से इरीटेट करता हुआ नजर आएगा सेकेंड हाफ में उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्या पता किस तरह से सभी चीज़ों को डाला हुआ था वो ज़रा भी इंप्रेसिव नहीं थी इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म में मेन तो क्या होना चाहिए फिल्म क्रिपिंग होनी चाहिए सस्पेंस जो इन्वेस्टिगेशन वाले सीन है जिस तरह से जो किरदार दिखाए जाते हैं उस केस के थ्रू कुछ कन्फ्यूजन ऑडियंस के मन में क्रिएट होना चाहिए लेकिन ये सभी चीज़ों में ये फिल्म फेल हो जाती है इस फिल्म में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसको हमारे सामने इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाई हो पूरी तरह से फिल्म को बिग बगैर कोई डिरेक्शन के डिडिरेक् किया हो ऐसा नज़र आ रहा था फिल्म में कई सीन्स लंबे लंबे खींचे हुए थे बेफालतू तो खींचे हुए थे कुछ सीन तो बिना लॉजिक के स्टोरी के साथ क्यों अटैच किए तो वो नहीं पता चल रहा था और एक तो बड़ा सबसे बड़ा जोक ये है कि जिस तरह से फिल्म को एंड किया जाता है उससे बताया जाता है कि इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है पहला पार्ट तो ढंग से कर लो। उसके बाद के बारे में सोचना कैमरा तो वर्क काफी नाइनटीज का काफी उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है उस में जिस तरह से सभी चीजों को हमारे सामने आर्ट डायरेक्टर ने पेश किया हुआ बढ़िया है उसके ऊपर कैमरा मैन ने जिस तरह सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है वो भी अच्छा नजर आ रहा है कैमरा मैन ने जिस तरह से अपनी सिनेमेट ोग्राफी के थ्रू सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ था तो वो काफी इंप्रेसिव था वहां पे उनका काम टॉप टोकनोच देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो इंप्रेसिव था साथ ही में जो गाने थे वो ठीक ठाक थे उतने कुछ खास नहीं थे कुछ गानों की फिल्म में जरूरत भी नहीं थी वहीं पर डायलॉग से वो फिल्म के डिसेंट थे और फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन भी डिसेंट नजर आ रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि शरद मंदावा जिन्होंने फिल्म के साथ पूरी तरह से एक पैथेटिक जॉब प्ले की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस डेब्यू फिल्म के साथ अपने एज ए डिरेक्टर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिया ऐसा नजर आ रहा है उन्होंने रवि तेजा के किरदार को प्रॉपर इस फिल्म में लिखा नहीं है उनका रवि तेजा का जो स्टारडम है उसका प्रॉपर यूज नहीं किया हुआ है उनके डायरेक्शन में एमलेस नजर आता है उन्होंने ना तो एंटरटेनमेंट डिलीवर किया ना तो प्रॉपर एक्शन डिलीवर कर पाए ना तो कोई ड्रामा डिलीवर कर पाए तो ये सभी चीजें ना प्रॉपर वे में डिलीवर करने की वजह से सिर्फ एक ही चीज़ ऑडियंस से ये फिल्म मांगती है वो है पेशेंट फिल्म खत्म होने तक अगर आपके पास पेशेंस है भरपूर मात्रा में तो ये फिल्म ख़त्म कर सकते हो अगर अदरवाइज ये फिल्म पूरी तरह से आपका पेशेंस टेस्ट करती हुई नज़र आएगी फिल्म में जिस तरह से कैरेक्टर को चूज़ किया हुआ है कास्टिंग इमोशनल सीन्स सभी चीज़ें एक्शन ड्रामा कुछ भी वर्क नहीं करता है फिल्म के लिए फिल्म का जो ड्रामा है वो भी इमोशन से वो भी ग्रिपिंग नज़र नहीं आते थ्रिलिंग मोमेंट भी उतने कुछ खास नज़र नहीं आते इस फिल्म का फर्स्ट और सेकंड हाफ सभी चीज़ें पूरी फिल्म बोरिंग नज़र आ रही थी ओन एंड होल ड्रामा और ऑन ड्यूटी एक आउटडेटेड स्टोरी के साथ वही बोरिंग इमोशनल रेस एक्सनड्रामा फिल्म है जहाँ पे डायरेक्टर की वजह से फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आती है डायरेक्टर और राइटिंग डिपार्टमेंट का काम अगर मजबूत होता तो ये सभी चीजें बेटर हो सकती थी फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी डल मैनर में लिखा गया है लेन दे रन टाइम फिल्म के प्रति एक और निगेटिव इंपैक्ट डालता है और ऑडियंस को पूरी तरह से चीजें फर्स्ट्रेट कर देती है अदरवाइज रवि तेजा की सिंसियर परफॉर्मेंस है उनके लिए अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो अदरवाइज फिल्म ऐसा कुछ नहीं है जिसे देख तेजा की एक ही है जो फिल्म को थोड़ा ठीक ठाक बना पाती है अब हम बात करें इस फिल्म को कहां पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर तो पहले तो रिलीज के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ तो इस फिल्म को उनतीस जुलाई 2022 को तेलुगु वर्जन में थियेटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे काफ़ी मल्टीपल रिलीज डेट चेंज करने के बाद फाइनली इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था उसके करीबन एक वीक के बाद यानी कि पाँच अगस्त के आसपास 2022 को इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी एक ठीक ठाक रिलीज दिलवाई हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था तो हिंदी तेलुगु वर्जन में दोनों वर्ज़न फिल्म को रिलीज़ किया जहाँ पे तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में फिल्म को आई पे टोटल पाँच वोट मिले तो छः वोट के आसपास वोट मिले हुए थे जिसमें सिर्फ पाँच की रेटिंग हासिल

के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट डिजास्टर फिल्मों में से एक ये फिल्म साबित हुई है जहाँ पे फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई थी बॉक्स ऑफिस पे अगर आप अभी आपको ये फिल्म ओ पे देखनी हो तो इसके ओ राइट्स खरीदे हुए सोनी लिव वालों ने तो तेलुगु वर्जन में ये फिल्म आपको करीबन थिएट्रिकल रिलीज़ के तीस पैंतीस दिनों के बाद सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर जो फिल्म का हिंदी वर्जन है उसको भी यू मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा अब कब करवाया जाएगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो हो चुका है हिंदी वर्जन का और तेलुगु दोनों वर्जन का तो ये फिल्म शायद आपको सोनी लिव में भी हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकती है अगर बिफोर यू मोशन पिक्चर्स इसके राइट सोनी लिव को बेचते हैं तो अदरवाइज़ इस फिल्म को पहले टेलीविजन पर प्रीमियर करवाया जाएगा वो बिफोर यू कड़क पे होता है या बिफोर यू मूवीज़ पे होता है या जी सिनेमा के ऊपर

करवाई जा सकती है, है। लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं हुई है। अब आने वाले समय में ही ये सभी चीजें पता चलेगी। रामा राव ड्यूटी जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री एक्शन फिल्म है जहां पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन ये सभी चीजें शरत मंडावा ने किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर चेरू ने इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रवि तेजा दिव्यांशा कौशिक राजीशा विज्ञान और वेणु थोतेमपुरी इनके अलावा नजर नरेश पवित्रा लोकेश जॉन विजय चैतन्य कृष्णा तनिकला भरानी राहुल रामा तोतमपल्ली मधु श्री मधुसूदन राव सुरेखा वानी पृथ्वीराज छमक चंद्रा और आवेशी जैन का एक आइटम नंबर है तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ओवरऑल इतने ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सत्यान सूर्या ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग की हुई प्रवीण केले के एल ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 30 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों सेम एम सी ने कम्पोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स से वो टी सीरीज लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए जहाँ पे टोटल पाँच गाने जिसको कम्पोज किया हुआ है सी uh, सीएमसीएस ने इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर बातचीत करें तो श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमा और आर टी टीम वर्क जहाँ पे आर टी टीम वर्क रवि तेजा का प्रोडक्शन कंपनी है तो दो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को 50 से साठ करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो ये एक ओवरऑल हाई बजट वाली फिल्म थी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म को पहले तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फ़िल्म को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज़ किया गया था करीबन एक दो वीक के बाद इस फिल्म का हिंदी वर्जन एक वीक के बाद फिल्म का हिंदी वर्जन प्रीमियर करवाया गया था

फॉरेस्ट ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में इसे अलग अलग लोकेशंस के ऊपर शूट किया गया था इस प्रोडक्शन को बाद में स्पेन में स्पेन ले जाया गया क्योंकि फिल्म में कुछ गाने जो स्पेन के लोकेशन में शूट किए हुए जिसको मार्च दो में शूट किया हुआ था और मार्च महीने में इस फिल्म के कुछ पेज वर्क के सीन्स उसको करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे फिल्म को करीबन डेढ़ सौ मीटर जितना सेंसर करवाया हुआ था जिसको सेंसर

लिरिक्स लिख राके ने हुए कल्याण चक्रवर्ती ने और नकुल अभियानकर नापे जिसके श्रेया घोषाल और सी एस चौथा गाना है किंग ऑफ क्राउड रामा रॉन्ग ऑन ड्यूटी टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए शरत मंडावा ने जो फिल्म के डिरेक्टर है और गाया हुआ है लविता लोबो ने पांचवा गाना है उशुरा गे जिसके लिरिक्स लिखे हुए कल्याण चक्रवर्ती ने और गाया हुआ है तो ये टोटल पांच गाने जिसको आप भी ऑफिशियली पे टी सीरीज लहरी म्यूजिक के के चैनल ऊपर तेलुगु वर्जन में सुन सकते हो अब बात करें कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो रवि तेजा ने बी रामाव यानी कि डिप्यूटी कलेक्टर एम आर ओ का रोल प्ले किया हुआ है दिव्यांशा कौशिक नंदनी के रोल में दिखाई देंगे राजेश अभिजयन को मालिनी का रोल दिया गया था वेणु थोत्मपुड़ी ने सीआई जमी मुरली का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने प्रसाद राव का रोल प्ले किया हुआ है जो रामाव के फादर है नरेश को रामा राव के फादर इन लोगों का रोल दिया गया था पवित्रा लोकेश ने इस फिल्म में महालक्ष्मी वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो रामाव की माँ है जॉन विजय ने एस पी देवानंद का रोल प्ले किया हुआ है चैतन्य कृष्णा को सुरेंद्र का रोल दिया गया था तनिकेला परानी ने इस फिल्म कलेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है राहुल रामाकृष्णन आपको आनंद के रोल में दिखाई देंगे तो पल्ली मधु को एम एल ए सत्यनारायण का रोल दिया गया है इसके अलावा अवेसी जैन का शीशा नाम का जो किरदार है जो एक आइटम सॉन्ग में देखने को मिलता है ना पेरो साकर के आइटम नंबर है उसमें उसमें उन्होंने अपना कैम्यूपीरियंस दिया हुआ है तो इस फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इम्पोर्टेंट किरदार को प्ले किए हुए कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी को नाइनटीन में सेट किया हुआ है जहाँ पे रामा राव यानी कि रवि तेजा एक रिवेन्यू ऑफिसर है जो करप्शन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते वो करप्शन से पूरी तरह से नफरत का त्यौहार है किसी एक दिन वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मालिनी से मिलते जिसका रोल प्ले करे राजेश विजयन वो उसके सामने अपने पति की कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ मिसिंग चीज़ें वो उसके सामने रिवील करती है और उससे मदद मांगती है रामाव इस केस के ऊपर में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं गांव के उसके ऊपर उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने लगती है वो लोग किस तरह से मिसिंग हो रहे हैं उसके अलावा उसके साथ साथ रेड सैंडलवुड की जो स्मगलिंग हो रही है उसके रिलेटेड कुछ केस दिखाए हुए तो वो किस तरह से कनेक्टेड है इन सभी चीज़ों के पीछे कौन है रामाराव इसको किस तरह से सोल्व करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पर फिल्म के प्लॉट को एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में सेट किया हुआ था जहाँ पर रवि तेजा ने इस फिल्म में सिंसियर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए रेवेन्यू ऑफिसर के रोल में वो काफी सिंसियरली अपना काम करते हुए नजर आते हैं उनकी परफॉर्मेंस खास करके फिल्म के सेकंड हाफ को काफ़ी दमदार बनाती है उन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स दिखाए हुए उस सीन्स में जिस तरह से रवि तेजा का जो कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आएगी ओवरऑल रवि तेजा इस फिल्म की सोल है जहाँ पे वो पूरी तरह से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं अदरवाइज जो नेरेशन है वो वो काफी जगह पे लिख करता हुआ नजर आता है नजर इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है तनी किला भरानी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने इम्पोर्टेंट किरदार को प्ले किया हुआ है तो पुडु वेणु ने इस फिल्म के साथ एक बढ़िया कम किया हुआ है उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था और उस किरदार में जो नेगेटिव सेड वाला किरदार था उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे उनके जो डायलॉग्स थे जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किए वो आपको ज़रूर पसंद आएगी उनके रोल में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को पकड़ने में कामयाब रहे जहाँ पे इस फिल्म के माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से किया हुआ है स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन सारथ मंडावा ने जिस तरह से एक डिसेंट प्लॉट को नेरेट किया हुआ है पूरी तरह से बोरिंग नजर आता है काफी फ्लेट नोट के साथ फिल्म जा रही है और फिल्म के कई सीन्स में तो हाथ पैर नज़र नहीं आते लॉजिक वाले लॉजिक बिना लॉजिक के सीन्स देखने को मिलते जिस तरह से प्रोसीडिंग देखने को मिलती है वो किसी भी प्रकार का ऑडियंस में इंटरेस्ट क्लियर करने में कामयाब नहीं होती जहाँ पे इस फिल्म का जो फर्स्ट हाँ वो काफी लेंदे रखा हुआ है जहाँ पे कोई प्रॉपर विलन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है प्रॉपर वे में इस फिल्म में कुछ भी स्टेब्लिश नहीं किया हुआ है इस फिल्म में दो हीरोइन देखने को मिलती है जहाँ पे उनके जो कहानी में जिस तरह से उनको सेटअप किया हुआ है वो टीवी सीरियल के आर्टिस्ट हो ऐसा नजर आ रहा था उनको काफ़ी डल मैनर में फिल्म में दिखाया हुआ है इस फिल्म में कोई प्रॉपर विलन ना होने की वजह से केस जिस तरह से इजी सॉल्व होता है वो सभी चीज़ें आपको काफ़ी खटकती है इसके अलावा फिल्म में कोई प्रॉपर इमोशंस देखने को नहीं मिलते जिस तरह चीज़ों को नेरेट किया हुआ है वो कुछ नहीं कुछ क्रिपिंग नज़र नहीं आती है और जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी फेक लगता है इसके अलावा फिल्म में जो ओवर एक्ट करता हुआ मेन विलन देखने को मिलता है जो ऑडियंस को पूरी तरह से इरीटेट करता हुआ नजर आएगा सेकेंड हाफ में उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्या पता किस तरह से सभी चीज़ों को डाला हुआ था वो जरा भी इम्प्रेसिव नहीं थी इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म में मेन तो क्या होना चाहिए फिल्म क्रिपिंग होनी चाहिए सस्पेंस जो इन्वेस्टिगेशन वाले सीन है जिस तरह से जो किरदार दिखाए जाते हैं उस केस के थ्रू कुछ कन्फ्यूज़न ऑडियंस के मन में क्रिएट होना चाहिए लेकिन ये सभी चीज़ों में ये फिल्म फेल हो जाती है इस फिल्म में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसको हमारे सामने इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाई हो पूरी तरह से फिल्म को बिग बगैर कोई डिरेक्शन के डिडिर किया हो ऐसा नज़र आ रहा था फिल्म में कई सीन्स लंबे लंबे खींचे हुए थे बेफालतू खींचे हुए थे कुछ सीन तो बिना लॉजिक के स्टोरी के साथ क्यों अटैच किए थे वो नहीं पता चल रहा था और एक तो बड़ा सबसे बड़ा जोक ये है कि जिस तरह से फिल्म

फी के थ्रू सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हो था वो काफ़ी इंप्रेसिव था वहाँ पे उनका काम टॉप टोपनोच देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो इंप्रेसिव था साथ ही में जो गाने थे वो ठीक ठाक थे उतने कुछ खास नहीं थे कुछ गानों की इस फिल्म में जरूरत भी नहीं थी वहीं पर डायलॉग से वो फिल्म के डिसेंट थे और फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन भी डिसेंट नजर आ रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि शरत मंदावा जिन्होंने फिल्म के साथ पूरी तरह से एक पैथेटिक जॉब प्ले की हुई है जहाँ पर उन्होंने इस डेब्यू फिल्म के साथ अपने एज अ डायरेक्टर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिया ऐसा नजर आ रहा है उन्होंने रवि तेजा के किरदार को प्रॉपर इस फिल्म में लिखा नहीं है उनका रवि तेजा का जो स्टारडम है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया हुआ है उनके डायरेक्शन में एमलेस नजर आता है उन्होंने ना तो एंटरटेनमेंट डिलीवर किया ना तो प्रॉपर एक्शन डिलीवर कर पाए ना तो कोई ड्रामा डिलीवर कर पाए तो ये सभी चीज़ें ना प्रॉपर वे में डिलीवर करने की वजह से सिर्फ एक ही चीज़ हो जाए ऑडियंस से ये फिल्म मांगती है वो है पेशेंट फिल्म खत्म होने तक अगर आपके पास पेशेंस है भरपूर मात्रा में तो ये फिल्म ख़त्म कर सकते हो अगर अदरवाइज ये फिल्म पूरी तरह से आपका पेशेंस टेस्ट करती हुई नज़र आएगी फिल्म में जिस तरह से कैरेक्टर को चूज किया हुआ है कास्टिंग इमोशनल सीन्स सभी चीज़ें एक्शन ड्रामा कुछ भी वर्क नहीं करता है फिल्म के लिए फिल्म का जो ड्रामा है वो भी इमोशन है वो भी ग्रिपिंग नज़र नहीं आते थ्रिलिंग मोमेंट भी उतने कुछ खास नज़र नहीं आते इस फिल्म का फर्स्ट और सेकंड हाफ सभी चीज़ें पूरी फिल्म बोरिंग नज़र आ रही थी ओन एन होल ड्रामा और ऑन ड्यूटी एक आउटडेटेड स्टोरी के साथ वही बोरिंग इमोशनल रेस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे डायरेक्टर की वजह से फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आती है डायरेक्टर और राइटिंग डिपार्टमेंट का काम अगर मजबूत होता तो ये सभी चीज़ें बेटर हो सकती थी फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी डल मैनर में लिखा गया है लेन रन टाइम फिल्म के प्रति एक और नेगेटिव इंपैक्ट डालता है और ऑडियंस को यह पूरी तरह से चीज़ें फर्स्ट्रेट कर देती है अदरवाइज रवि तेजा की सेंसियर परफॉर्मेंस है उनके लिए अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो अदरवाइज फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसे देख जा सके रवि तेजा की परफॉर्मेंस ही है जो फिल्म को थोड़ा ठीक ठाक बना पाती है अब हम बात करें इस फिल्म को कहाँ पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर तो पहले तो रिलीज के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ तो इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को तेलुगु वर्जन में थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे काफी मल्टीपल रिलीज डेट चेंज करने के बाद फाइनली इस फिल्म को रिलीज किया गया था उसके करीबन एक वीक के बाद यानी कि पांच अगस्त के आसपास 2022 को इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी एक ठीक ठाक रिलीज दिलवाई हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था तो हिंदी तेलुगु वर्जन में दोनों वर्जन फिल्म को रिलीज किया जहाँ पे तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में फिल्म को AMD पे टोटल सतासी वोट मिले तो छे वोट के आसपास वोट मिले हुए थे जिसमे सिर्फ पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सभी चीजें फिल्म के हित में नहीं गई क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी नेगेटिव और

अगर आप अभी आपको ये फिल्म ओ पे देखनी हो तो इसके ओ राइट्स खरीदे हुए सोनी लिव वालों ने तो तेलुगु वर्जन में ये फिल्म आपको करीबन थिएट्रिकल रिलीज के तीस पैंतीस दिनों के बाद सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर जो फिल्म का हिंदी वर्जन है उसको भी यू मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा अब कब करवाया जाएगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो हो चुका है हिंदी वर्जन का और तेलुगु दोनों वर्जन का तो ये फिल्म शायद आपको सोनी लिव में भी हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकती अगर भी को है अगर बीफोर यू मोशन पिक्चर्स इसके राइट सोनी लिव को बेचते हैं तो अदरवाइज़ इस फिल्म को पहले टेलीविजन पर प्रीमियर करवाया जाएगा वो बिफोर यू कड़क पे होता है या बिफोर यू मूवीज़ पे होता है या जी सिनेमा के ऊपर होता है वो अभी तक प्रॉपर डिस्कलोसमेंट नहीं हुई है इनमें से कोई चैनल के ऊपर फिल्म अवेलेबल किया जाएगा अदरवाइज अगर जी सिनेमा इस फिल्म को प्रीमियर करवा रहे तो टेलीविजन पर तो शायद जी के ऊपर भी फिल्म विध इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि रामारा ऑन ड्यूटी फिल्म आपको तेलुगु वर्जन में थिएट्रिकल रिलीज के एक वीक के

करवाई जा सकती है, है। लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं हुई है। अब आने वाले समय में ही ये सभी चीजें पता चलेगी। रामा राव जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री एक्शन फिल्म है जहां पर इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग ये सभी चीजें शरत मंडावा ने किए हुई है, है सुधाकर ने इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रवि तेजा दिव्यांशा कौशिक राजीशा विज्ञान और वेणु थोतेमपुरी इनके अलावा नजर नरेश पवित्रा लोकेश जॉन विजय चैतन्य कृष्णा तनिकला भरानी राहुल रामा तोतमपल्ली मधु श्री मधुसूदन रावर सुरेखा वानी पृथ्वीराज छमक चंद्रा और आवेशी जैन का एक आइटम नंबर है तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ओवरऑल इतने ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सत्यान सूर्या ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग की हुई है प्रवीण केले के एल ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 30 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों सेम एम सी ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक राइट से वो टी सीरीज लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए जहाँ पे टोटल पाँच गाने जिसको कंपोज़ किया हुआ है सी uh, सीएमसीएस ने इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर बातचीत करें तो श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमा और आर टी टीम वर्कस जहाँ पे आर टी टीम वर्क रवि तेजा का प्रोडक्शन कंपनी है तो दो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को पचास से साठ करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो ये एक ओवरऑल हाई बजट वाली फिल्म थी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म को पहले तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फ़िल्म को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज़ किया गया था करीबन एक दो वीक के बाद इस फिल्म का हिंदी वर्जन एक वीक के बाद फिल्म का हिंदी वर्जन प्रीमियर करवाया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को टेंटेटिव टाइटल दिया गया था आर टी सिक्सटी एट जहाँ पर रवि तेजा की अड़सठवीं फिल्म थी तो इस तरह से फिल्म का टाइटल अनाउंस करते हुए एक प्रॉपर अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद में जुलाई दो में एक ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पर बताया गया था कि रवि तेजा की जो अड़सठवीं फिल्म है उसका नाम रामारा ऑन ड्यूटी होने वाला है बाद में एक जुलाई दो से हैदराबाद में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी फिल्म की जो फाइनल शूटिंग है उसको अक्टूबर दो में सेट किया गया था इस फिल्म को मारे ुल्ली फॉरेस्ट ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में इसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर शूट किया गया था इस प्रोडक्शन को बाद में स्पेन में ले जाया गया क्योंकि फिल्म में कुछ गाने जो स्पेन के लोकेशन में शूट किए हुए जिसको मार्च दो में शूट किया हुआ था और मार्च महीने में ही इस फिल्म के कुछ पेज वर्क के सीन्स थे उसको कम्प्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहाँ पे फिल्म को करीबन डेढ़ सौ मिनट जितना सेंसर करवाया हुआ था जिसको सेंसर

लिरिक्स लिख राोसरा गाना है कल्याण चक्रवर्ती ने सिंगर थे हरिप्रिया और नकुल अभियानकर तीसरा गाना है ना पे रूसिंद्र बोस ने लिखे हुए सिंगर थे श्रेया घोषाल और सेम सी एस चौथा गाना है किंग ऑफ क्राउड रामा रॉन्ग ऑन ड्यूटी टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए शरद मंडावा ने, ने जो, जो फिल्म के डिरेक्टर है और गाया हुआ है लविता लोबो ने पांचवा गाना है उसुरा जिसके लिरिक्स लिखे कल्याण चक्रवर्ती ने और गाया हुआ है श्री रामचंद्र ने तो ये टोटल पांच गाने जिसको आप भी ऑफिशियली यूट्यूब म्यूजिक के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुन सकते हो अब बात करें कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो रवि तेजा ने बी रामाव यानी कि डिप्यूटी कलेक्टर एम का रोल प्ले किया हुआ है दिव्यांशा कौशिक नंदनी के रोल में दिखाई देंगे राजीशा विजयन को मालिनी का रोल दिया गया था वेणु थोत्मपुड़ी ने सी आई जमी मुरली का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने प्रसाद राव का रोल प्ले किया हुआ है जो रामाव के, रामा के फादर है नरेश को रामा राव के फादर इन लोगों का रोल दिया गया था पवित्रा लोकेश ने इस फिल्म में महालक्ष्मी वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो रामाव की माँ है जॉन विजय ने एस पी देवानंद का रोल प्ले किया हुआ है चैतन्य कृष्णा को सुरेंद्र का रोल दिया गया था तनिकेला परानी ने इस फिल्म कलेक्टर का रोल प्ले क्या हुआ है राहुल रामाकृष्णन आपको अनंत के रोल में दिखाई देंगे तो तमपल्ली मधु को एमएलए सत्यनारायण का रोल दिया गया है इसके अलावा आमे सीजन का शीशा नाम का जो किरदार है जो एक आइटम सॉन्ग में देखने को मिलता है ना पेरो सीसा करके आइटम नंबर है उसमें उसमें उन्होंने अपना कैम्यूपीरियंस दिया हुआ है तो इस फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इम्पोर्टेंट किरदार को प्ले किए हुए कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी को नाइनटीन में सेट किया हुआ है जहाँ पे रामा राव यानी कि रवि तेजा एक रिवेन्यू ऑफिसर है जो करप्शन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते वो करप्शन से पूरी तरह से नफरत का तैयार है किसी एक दिन वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड मालिनी से मिलते है, जिसका रोल प्ले कर राजेशा विजयन वो उसके सामने अपने पति की कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ मिसिंग चीज़ें वो उसके सामने रिवील करती है और उससे मदद मांगती है रामा राव इस केस के ऊपर में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं गाँव के उसके ऊपर उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने लगती है वो लोग किस तरह से मिसिंग हो रहे हैं उसके अलावा उसके साथ साथ रेड सेंडर वोड की जो स्मगलिंग हो रही है उसके रिलेटेड कुछ केस दिखाए हुए तो वो किस तरह से कनेक्टेड है इन सभी चीज़ों के पीछे कौन है रामा राव इसको किस तरह से सोल्व करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे फिल्म के प्लॉट को एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में सेट किया हुआ था जहाँ पे रवि तेजा ने इस फिल्म में एक सिंसियर परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है रेवेन्यू ऑफिसर के रोल में वो काफ़ी सिंसियरली अपना काम करते हुए नजर आते हैं उनकी परफॉर्मेंस खास करके फिल्म के सेकेंड हाफ को काफ़ी दमदार बनाती है उन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स दिखाए हुए उस सीन्स में जिस तरह से रवि तेजा का जो कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है है वो वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी ओवरऑल रवि तेजा इस इस फिल्म की सोले जहां पे वो इस फिल्म सोल पूरी तरह से को अकेले अपने कंधे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं अदरवाइज जो नेरेशन है वो काफी जगह पे लिख करता हुआ नजर आता है नजर इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं जहां पे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है तनिकला भरानी ने काफी बढ़िया तरीके से अपने इंपोर्टेंट किरदार को प्ले किया हुआ है जो नेगेटिव सेनर में काफी बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है जहां पर उनके जो डायलॉग्स थे जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किए हुए आपको जरूर पसंद आएगी उनके रोल में वो काफी बढ़िया तरीके से फिल्म को पकड़ने में कामयाब रहे जहाँ पे इस फिल्म के माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से किया हुआ है स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन सारथ मंडावा ने जिस तरह से एक डिसेंट प्लॉट को नेरेट किया हुआ है वो पूरी तरह से बोरिंग नज़र आता है काफी फ्लेट नोट के साथ फिल्म जा रही है और फिल्म के कई सीन्स में तो हाथ पेयर नजर नहीं आते लॉजिक वाले लॉजिक बिना लॉजिक के सीन्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से प्रोसीडिंग देखने को मिलती है वो किसी भी प्रकार का ऑडियंस में इंटरेस्ट क्लियर करने में कामयाब नहीं होती जहाँ पे इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी लेंदी रखा हुआ है जहाँ पे कोई प्रॉपर विलन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है प्रॉपर वे में इस फिल्म में कुछ भी स्टेब्लिश नहीं किया हुआ है इस फिल्म में दो हीरोइन देखने को मिलती है जहाँ पे उनके जो कहानी में जिस तरह से उनको सेटअप किया हुआ है वो टीवी सीरियल के आर्टिस्ट हो ऐसा नजर आ रहा था उनको काफ़ी डल मैनर में फिल्म में दिखाया हुआ है इस फिल्म में कोई प्रॉपर विलन ना होने की वजह से केस जिस तरह से इजी सॉल्व होता है वो सभी चीज़ें आपको काफ़ी खटकती है इसके अलावा फिल्म में कोई प्रॉपर इमोशंस देखने को नहीं मिलते जिस तरह चीज़ों को नेरेट किया हुआ है वो कुछ नहीं कुछ क्रिपिंग नज़र नहीं आती है और जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी फेक लगता है इसके अलावा फिल्म में जो ओवर एक्ट करता हुआ मेन विलन देखने को मिलता है जो ऑडियंस को पूरी तरह से इरीटेट करता हुआ नज़र आएगा सेकेंड हाफ में उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्या पता किस तरह से सभी चीज़ों को डाला हुआ था वो ज़रा भी इम्प्रेसिव नहीं थी इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म में मेन तो क्या होना चाहिए फिल्म क्रिपिंग होनी चाहिए सस्पेंस जो इन्वेस्टिगेशन वाले सीन है जिस तरह से जो किरदार दिखाए जाते हैं उस केस के थ्रू कुछ कन्फ्यूजन ऑडियंस के मन में क्रिएट होना चाहिए लेकिन ये सभी चीज़ों में ये फिल्म फेल हो जाती है इस फिल्म में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसको हमारे सामने इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाई हो पूरी तरह से फिल्म को बिग बगैर कोई डे डिरशन के दी डिडिर किया हो ऐसा नज़र आ रहा था फिल्म में कई सीन्स लंबे लंबे खींचे हुए थे बेफालतू खींचे हुए थे कुछ सीन तो बिना लॉजिक के स्टोरी के साथ क्यों अटैच किए तो वो नहीं पता चल रहा था और एक तो बड़ा सबसे बड़ा जोक ये है कि जिस तरह से फिल्म को एंड किया जाता है उससे बताया जाता है कि इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है पहला पार्ट तो से कर लो उसके बाद के बारे में सोचना कैमरा तो वर्क काफी नाइनटीज का काफी उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है उस सेटअप में जिस तरह से सभी चीजों को हमारे सामने आर्ट डायरेक्टर ने पेश किया हुआ बढ़िया है उसके ऊपर कैमरा मैन ने जिस तरह सभी चीजों को शोकेस किया है वो भी अच्छा नजर आ रहा है कैमरा मैन ने जिस तरह से अपनी ोग्राफी के थ्रू सभी चीजों को हमारे सामने पेश किया था तो वो काफी इंप्रेसिव था वहां पे उनका काम टॉप टोफनो देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो इंप्रेसिव था साथ ही में जो गाने थे वो ठीक ठाक थे उतने कुछ खास नहीं थे कुछ गानों की फिल्म में जरूरत भी नहीं थी वहीं पर डायलॉग से वो फिल्म के डिसेंट थे और फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन भी डिसेंट नजर आ रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि शरत मंदावा जिन्होंने फिल्म के साथ पूरी तरह से एक पैथेटिक जॉब प्ले की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस डेब्यू फिल्म के साथ अपने एज अ डायरेक्टर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिया ऐसा नजर आ रहा है उन्होंने रवि तेजा के किरदार को प्रॉपर इस फिल्म में लिखा नहीं है उनका रवि तेजा का जो स्टारडम है 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 उसका प्रॉपर यूज नहीं किया हुआ है। उनके डायरेक्शन में नजर आता है। उन्होंने ना तो प्रॉपर एक्शन डिलीवर कर पाए ना तो कोई ड्रामा डिलीवर कर पाए तो ये सभी चीजें ना प्रॉपर वे में डिलीवर करने की वजह से सिर्फ एक ही चीज ऑडियंस से ये फिल्म मांगती है वो है पेशेंट फिल्म खत्म होने तक अगर आपके पास पेशेंस है भरपूर मात्रा में तो ये फिल्म ख़त्म कर सकते हो अगर अदरवाइज ये फिल्म पूरी तरह से आपका पेशेंस टेस्ट करती हुई नज़र आएगी फिल्म में जिस तरह से कैरेक्टर को चूज़ किया हुआ है कास्टिंग इमोशनल सीन्स सभी चीज़ें एक्शन ड्रामा कुछ भी वर्क नहीं करता है फिल्म के लिए फ़िल्म का जो ड्रामा है वो भी इमोशन से वो भी ग्रिपिंग नज़र नहीं आते थ्रिलिंग मोमेंट भी उतने कुछ खास नज़र नहीं आते इस फिल्म का फर्स्ट और सेकंड और सभी चीज़ें पूरी फिल्म बोरिंग नज़र आ रही थी ओन एंड होल ड्रामा और ऑन ड्यूटी एक आउटडेटेड स्टोरी के साथ वही बोरिंग इमोशनल रेस एक्सनड्रामा फिल्म है जहाँ पे डायरेक्टर की वजह से फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आती है डायरेक्टर और राइटिंग डिपार्टमेंट का काम अगर मजबूत होता तो ये सभी चीज़ें बेटर हो सकती थी फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी डल मैनर में, में लिखा गया है लेन दे रन टाइम फिल्म के प्रति एक और नेगेटिव इम्पेक्ट डालता है और ऑडियंस को पूरी तरह से चीज़ें फर्स्ट्रेट कर देती है अदरवाइज रवि तेजा की सेंसियर परफॉर्मेंस है उनके लिए अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो अदरवाइज फिल्म ऐसा कुछ नहीं है जिसे देखा रवि तेजा की एक ही है जो फिल्म को थोड़ा ठीक ठाक बना पाती है अब हम बात करें इस फिल्म को कहां पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर तो पहले तो रिलीज के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ तो इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को तेलुगु वर्जन में थियेटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे काफ़ी मल्टीपल रिलीज डेट चेंज करने के बाद फाइनल इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था उसके करीबन एक वीक के बाद यानी कि पाँच अगस्त के आसपास 2022 को इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी एक ठीक ठाक रिलीज दिलवाई हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था तो हिंदी तेलुगु वर्जन में दोनों वर्जन फिल्म को रिलीज़ किया जहाँ पे तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में फिल्म को आई पे टोटल पाँच वोट मिले तो छः वोट के आसपास वोट मिले हुए थे जिसमें सिर्फ पाँच की रेटिंग हासिल

करियर के वन ऑफ द हाईएस्ट डिजास्टर फिल्मों में से एक एक फिल्म साबित हुई है जहां पे फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई थी बॉक्स ऑफिस पे। अगर अब अभी आपको ये फिल्म ओ पे देखनी हो तो इसके ओ राइट्स खरीदे हुए सोनी लिव वालों ने तो तेलुगु वर्जन में ये फिल्म आपको करीबन थिएट्रिकल रिलीज़ के तीस पैंतीस दिनों के बाद सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर जो फिल्म का हिंदी वर्जन है उसको भी फॉरी इमोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा अब कब करवाया जाएगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो हो चुका है हिंदी वर्जन का और तेलुगु दोनों वर्ज़न का तो ये फिल्म शायद आपको सोनी लिव में भी हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकती है अगर बिफोर मोशन पिक्चर्स इसके राइट सोनी लिव को बेचते हैं अदरवाइज तो, इस फिल्म को पहले टेलीविजन पे प्रीमियर करवाया जाएगा वो बिफोर यू कड़क पे होता है या बिफोर मूवीज पे होता है या जी सिनेमा के ऊपर होता है वो अभी तक प्रॉपर डिस्क्रोसमेंट नहीं हुई है इनमें से कोई चैनल के ऊपर फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रीमियर करवाया जाएगा फ्री में उसके बाद यूट्यूब पे ऑफिशियली बिफोर यू मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया जाएगा अदरवाइज अगर जी सिनेमा इस फिल्म को प्रीमियर करवा रहे तो टेलीविजन पर तो शायद जी के ऊपर भी ये फिल्म विध इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन

ऊपर आएगी। अदर इस, इसका और एक एंगल है, है, पे पे वर्जन वर्जन के साथ हिंदी वर्जन में भी करवाई जा सकती है। लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं हुई है अब आने वाले समय में ही ये सभी चीजें पता चलेगी रामा राव ऑन ड्यूटी जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री एक्शन फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन ये सभी चीजें शरत मंडावा ने किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर चेरू ने इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रवि तेजा दिव्यांशा कौशिक राजीशा विज्ञान और वेणु थोतेमपुरी इनके अलावा नजर नरेश पवित्रा लोकेश जॉन विजय चैतन्य कृष्णा तनिकला भरानी राहुल रामा तोतमपल्ली मधु श्री मधुसूदन राव सुरेखा वानी पृथ्वीराज छमक चंद्रा और आवेशी जैन का एक आइटम नंबर है तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ओवरऑल इतने ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सत्यान सूर्या ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग की हुई प्रवीण केले के एल ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 30 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों सेम एम सी ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स से वो टी सीरीज लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए जहाँ पे टोटल पाँच गाने जिसको कंपोज किया हुआ है सी uh, सीएमसीएस ने इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर बातचीत करें तो श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमा और आर टी टीम वर्क जहाँ पे आर टी टीम वर्क रवि तेजा का प्रोडक्शन कंपनी है तो दो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को 50 से साठ करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो ये एक ओवरऑल हाई बजट वाली फिल्म थी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म को पहले तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फ़िल्म को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज़ किया गया था करीबन एक दो वीक के बाद इस फिल्म का हिंदी वर्जन एक वीक के बाद फिल्म का हिंदी वर्जन प्रीमियर करवाया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को टेंटेटिव टाइटल दिया गया था आर टी सिक्स जहाँ पे रवि तेजा की अड़सठवीं फिल्म थी तो इस तरह से फिल्म का टाइटल अनाउंस करते हुए एक प्रॉपर अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद में जुलाई 2021 में एक ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि रवि तेजा की जो अड़सठवीं फिल्म है उसका नाम रामारा ऑन ड्यूटी होने वाला है बाद में एक जुलाई दो से हैदराबाद है में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी फिल्म की जो फाइनल शूटिंग है उसको अक्टूबर दो में सेट किया गया था इस फिल्म को मारे दोली फॉरेस्ट ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में इसे अलग अलग लोकेशंस के ऊपर शूट किया गया था इस प्रोडक्शन को बाद में स्पेन में ले जाया गया क्योंकि फिल्म में कुछ गाने जो स्पेन के लोकेशंस में शूट किए हुए जिसको मार्च दो में शूट किया हुआ था और मार्च महीने में इस फिल्म के कुछ पेज वर्क के सीन्स थे उसको कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे फिल्म को करीबन डेढ़ सौ मिनट जितना सेंसर करवाया हुआ था जिसको सेंसर

लिरिक्स लिख मोली ने हुए कल्याण चक्रवर्ती ने और नकुल अभियानकर नापे जिसके श्रेया घोषाल और सी एस चौथा गाना है किंग ऑफ क्राउड रामा रॉन्ग ऑन ड्यूटी टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए शरत मंडावा ने, थे, ने थे जो, ओफ, जो फिल्म के डिरेक्टर है और गाया हुआ है लविता लोबो ने पांचवा गाना है उशुरा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कल्याण चक्रवर्ती ने और गाया हुआ श्री रामचंद्रा ने तो ये टोटल पांच गाने जिसको आप, आप भी ऑफिशियली यूट्यूब पे टी सीरीज लहरी म्यूजिक के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुन सकते हो अब बात करें कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो रवि तेजा ने बी रामाव यानी कि डिप्यूटी कलेक्टर एम का रोल प्ले किया हुआ है दिव्यांशा कौशिक नंदनी के रोल में दिखाई देंगे राजेशा विजयन को मालिनी का रोल दिया गया था वेणु थोत्मपुड़ी ने सी आई जमी मुरली का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने प्रसाद राव का रोल प्ले किया हुआ है राव के फादर है नरेश को राव के फादर इन लोग रोल दिया गया था पवित्रा लोकेश ने इस फिल्म में महालक्ष्मी वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो रामा राव की माँ है जॉन विजय ने एस पी देवानंद का रोल प्ले किया हुआ है चैतन्य कृष्णा को सुरेंद्र का रोल दिया गया था परानी ने इस फिल्म कलेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है राहुल रामाकृष्णन आपको आनंद के रोल में दिखाई देंगे तोतम पल्ली मधु को एमएलए सत्यनारायण का रोल दिया गया है इसके अलावा का नाम का जो किरदार है जो तो इस फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने प्ले किए हुए कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की को कहानी को नाइनटीन में सेट किया हुआ है जहां पे राव यानी कि रवि तेजा एक रिवेन्यू ऑफिसर है जो करप्शन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते वो करप्शन से पूरी तरह से नफरत का तैयार है किसी एक दिन वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड मालिनी से मिलते जिसका रोल प्ले करे राजेश विजयन वो उसके सामने अपने पति की कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ मिसिंग चीज़ें वो उसके सामने रिवील करती है और उससे मदद मांगती है रामाव इस केस के ऊपर में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है और इसके अलावा काफी सारे ऐसे लोग रहते हैं गांव के उसके ऊपर उसको काफी सारी चीजें पता चलने लगती है वो लोग किस तरह से मिसिंग हो रहे हैं उसके अलावा उसके साथ साथ रेड सैंडलवुड की जो स्मगलिंग हो रही है उसके रिलेटेड कुछ केस दिखाए हुए तो वो किस तरह से कनेक्टेड है इन सभी चीज़ों के पीछे कौन है रामाराव इसको किस तरह से सोल्व करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बना दी जहाँ पे फिल्म के प्लॉट को एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में सेट किया हुआ था जहाँ पे रवि तेजा ने इस फिल्म में एक सिंसियर परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है रेवेन्यू ऑफिसर के रोल में वो काफ़ी सिंसियरली अपना काम करते हुए नजर आते हैं उनकी परफॉर्मेंस खास करके फिल्म के सेकेंड हाफ को काफ़ी दमदार बनाती है उन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ़ के मुकाबले ले सेकंड हाफ में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स दिखाए हुए उस सीन्स में जिस तरह से रवि तेजा का जो कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आएगी ओवरऑल रवि तेजा इस फिल्म की सोल है जहां पे वो पूरी तरह से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे आगे ले जाने की कोशिश करते अदरवाइज जो नरेशन है वो काफी जगह पे लैक करता हुआ नजर आता है नजर इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है तनी किला भरानी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने इम्पोर्टेंट किरदार को प्ले किया हुआ है तो पुडु वेणु ने इस फिल्म के साथ एक बढ़िया कम किया हुआ है उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था और उस किरदार में जो नेगेटिव सेड वाला किरदार था उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे उनके जो डायलॉग्स थे जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किए वो आपको ज़रूर पसंद आएगी उनके रोल में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को पकड़ने में कामयाब रहे जहाँ पे इस फिल्म के माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से किया हुआ है स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन सारथ मंडावा ने जिस तरह से एक डिसेंट प्लॉट को नेरेट किया हुआ है पूरी तरह से बोरिंग नज़र आता है काफ़ी फ्लेट नोट के साथ फिल्म जा रही है और फिल्म के कई सीन्स में तो हाथ पैर नज़र नहीं आते लॉजिक वाले लॉजिक बिना लॉजिक के सीन्स देखने को मिलते जिस तरह से प्रोसीडिंग देखने को मिलती है वो किसी भी प्रकार का ऑडियंस में इंटरेस्ट क्लियर करने में कामयाब नहीं होती जहाँ पे इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी लेंदी रखा हुआ है जहाँ पे कोई प्रॉपर विलन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है प्रॉपर वे में इस फिल्म में कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है इस फिल्म में दो हीरोइन देखने को मिलती है जहाँ पे उनके जो कहानी में जिस तरह से उनको सेटअप किया हुआ है वो टीवी सीरियल के आर्टिस्ट हो ऐसा नजर आ रहा था उनको काफ़ी डल मैनर में फिल्म में दिखाया हुआ है इस फिल्म में कोई प्रॉपर विलन ना होने की वजह से केस जिस तरह से इजी सॉल्व होता है वो सभी चीजें आपको काफी खटकती है इसके अलावा फिल्म में कोई प्रॉपर इमोशंस देखने को नहीं मिलते जिस तरह चीजों को नेरेट किया हुआ है वो कुछ नहीं कुछ क्रिपिंग नजर नहीं आती है और जिस तरह से सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है वो काफी फेक लगता है इसके अलावा फिल्म में जो ओवर एक्ट करता हुआ मेन विलन देखने को मिलता है जो ऑडियंस को पूरी तरह से इरीटेट करता हुआ नजर आएगा सेकंड हाफ में उनकी कोई जरूरत नहीं थी क्या पता किस तरह से सभी चीजों को डाल हुआ था वो जरा भी इंप्रेसिव नहीं थी इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म में मेन तो क्या होना चाहिए फिल्म ग्रिपिंग होनी चाहिए सस्पेंस जो इन्वेस्टिगेशन वाले सीन है जिस तरह से जो किरदार दिखाए जाते हैं उस केस के थ्रू कुछ कंफ्यूजन ऑडियंस के मन में क्रिएट होना चाहिए लेकिन ये सभी चीज़ों में ये फिल्म फेल हो जाती है इस फिल्म में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसको हमारे सामने इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाई हो पूरी तरह से फिल्म को बिग बगैर कोई डे डिरशन के डिडिर किया हो ऐसा नज़र आ रहा था फिल्म में कई सीन्स लंबे लंबे खींचे हुए थे बेफालतू खींचे हुए थे कुछ चीन तो बिना लॉजिक के स्टोरी के साथ क्यों अटैच किए थे वो नहीं पता चल रहा था और एक तो बड़ा सबसे बड़ा जोक ये है कि जिस तरह से फिल्म को एंड किया जाता है उससे बताया जाता है कि इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है पहला पार्ट तो ढंग से डिरेक्ट कर लो उसके बाद सिकवल के बारे में सोचना प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी डिसेंट थी जहाँ पे फिल्म का कैमरा वर्क काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है नाइन्टीज का जो सेटअप था उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है उस सेटअप में जिस तरह से सभी चीजों को हमारे सामने आर्ट डायरेक्टर ने पेश किया हुआ है बढ़िया है उसके ऊपर कैमरा मैन ने जिस तरह सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है वो भी अच्छा नजर आ रहा है कैमरा मैन ने जिस तरह से अपनी सिनेमेटोग्राफी के थ्रू सभी चीजों को हमारे सामने पेश किया हुआ तो काफी इम्प्रेसिव था वहाँ पर उनका काम टॉप टोकनोच देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो इम्प्रेसिव था साथ ही में जो गाने थे वो ठीक ठाक थे उतने कुछ खास नहीं थे कुछ गानों की फिल्म में जरूरत भी नहीं थी वहीं पर डायलॉग से वो फिल्म के डिसेंट थे और फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन भी डिसेंट नजर आ रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि शरद मंदावा जिन्होंने फिल्म के साथ पूरी तरह से एक पैथेटिक जॉब प्ले की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस डेब्यू फिल्म के साथ अपने एज डायरेक्टर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए ऐसा नजर आ रहा है उन्होंने रवि तेजा के किरदार को प्रॉपर इस फिल्म में लिखा नहीं है उनका रवि तेजा का जो स्टारडम है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया हुआ है उनके डायरेक्शन में एम नजर आता है उन्होंने ना तो एंटरटेनमेंट डिलीवर किया ना तो प्रॉपर एक्शन डिलीवर कर पाए ना तो कोई ड्रामा डिलीवर कर पाए तो ये सभी चीज़ें ना प्रॉपर वे में डिलीवर करने की वजह से सिर्फ एक ही चीज़ हो जाए ऑडियंस से ये फिल्म मांगती है वो है पेशेंट फिल्म खत्म होने तक अगर आपके पास पेशेंस है भरपूर मात्रा में तो ये फिल्म ख़त्म कर सकते हो अगर अदरवाइज ये फिल्म पूरी तरह से आपका पेशेंस टेस्ट करती हुई नजर आएगी फिल्म में जिस तरह से कैरेक्टर को चूज़ किया हुआ है कास्टिंग इमोशनल सीन्स सभी चीज़ें एक्शन ड्रामा कुछ भी वर्क नहीं करता है फिल्म के लिए फिल्म का जो ड्रामा है वो भी इम, इमोशंस है वो भी ग्रिपिंग नज़र नहीं आते थ्रिलिंग मोमेंट भी उतने कुछ खास नज़र नहीं आते इस फिल्म का फर्स्ट और सेकंड आप सभी चीज़ें पूरी फिल्म बोरिंग नज़र आ रही थी ओन एंड होल ड्रामा और ऑन ड्यूटी एक आउटडेटेड स्टोरी के साथ वही बोरिंग इमोशनल रेस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पर डायरेक्टर की वजह से फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है डायरेक्टर और राइटिंग डिपार्टमेंट का काम अगर मज़बूत होता तो ये सभी चीज़ें बेटर हो सकती थी फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी डल मैनर में लिखा गया है लेंदी रन टाइम फिल्म के प्रति एक और नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और ऑडियंस को पूरी तरह से चीज़ें फ्रस्ट्रेट कर देती है अदरवाइज रवि तेजा की सिंसियर परफॉर्मेंस है उनके लिए अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो अदरवाइज फिल्म ऐसा कुछ नहीं है जिसे देखा जा सके रवि तेजा की एक सिंसियर परफॉर्मेंस ही है जो फिल्म को थोड़ा ठीक ठाक बना पाती है अब हम बात करें इस फिल्म को कहाँ पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर तो पहले तो रिलीज के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ तो इस फिल्म को उनतीस जुलाई 2022 को तेलुगु वर्जन में थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे काफ़ी मल्टीपल रिलीज डेट चेंज करने के बाद फाइनल इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था उसके करीबन एक वीक के बाद यानी कि पाँच अगस्त के आसपास 2022 को इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी एक ठीक ठाक रिलीज दिलवाई हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था तो हिंदी तेलुगु वर्जन में दोनों वर्जन फिल्म को रिलीज़ किया जहाँ पे तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में फिल्म को आई एम पे टोटल पाँच वोट मिले तो छः वोट के आसपास वोट मिले हुए थे जिसमें सिर्फ पाँच की रेटिंग

के करियर के वन ऑफ द हाईएस्ट डिजास्टर फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई जहां पे फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई थी बॉक्स ऑफिस पे अगर आप अभी आपको ये फिल्म ओ पे देखनी हो तो इसके ओ टी राइट्स खरीदे हुए सोनी लिव वालों ने तो तेलुगु वर्जन में ये फिल्म आपको करीबन थिएट्रिकल रिलीज़ के तीस पैंतीस दिनों के बाद सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे जो फिल्म का हिंदी वर्जन है उसको भी फॉरीमोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा अब कब करवाया जाएगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो हो चुका है हिंदी वर्जन का और तेलुगु दोनों वर्जन का तो ये फिल्म शायद आपको सोनी लिव में भी हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकती है अगर भी

जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन ये सभी चीजें शरथ मंडावा ने किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर चेरू ने इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रवि तेजा दिव्यांशा कौशिक राजीसा विज्ञान और वेणु थोतेमपुरी इनके अलावा नजर नरेश पवित्रा लोकेश जॉन विजय चैतन्य कृष्णा तनिकला भरानी राहुल रामाकृष्णन थोतमपल्ली तो मधु श्री मधुसूदन राव सुरेखा वानी पृथ्वीराज छमक चंद्रा और आवेशी जैन का एक आइटम नंबर है तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ओवरऑल इतने ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सत्यान सूर्या ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग की हुई है प्रवीण केले के एल ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 30 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों सेम एम सी ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक राइट से वो टी सीरीज लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए जहाँ पे टोटल पाँच गाने जिसको कंपोज़ किया हुआ है सी uh, ने इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर बातचीत करें तो श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमा और आरटी टीम वर्क्स जहाँ पे आरटी टीम वर्क्स रवि तेजा का प्रोडक्शन कंपनी है तो दो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को 50 से 60 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो ये एक ओवरऑल हाई बजट वाली फिल्म थी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म को पहले तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फ़िल्म को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज़ किया गया था करीबन एक दो वीक के बाद इस फिल्म का हिंदी वर्जन एक वीक के बाद फिल्म का हिंदी वर्जन प्रीमियर करवाया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को टेंटेटिव टाइटल दिया गया था आर टी सिक्सटी एट जहाँ पर रवि तेजा की अड़सठवीं फिल्म थी तो इस तरह से फिल्म का टाइटल अनाउंस करते हुए एक प्रॉपर अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद में जुलाई दो में एक ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पर बताया गया था कि रवि तेजा की जो अड़सठवीं फिल्म है उसका नाम रामारा ऑन ड्यूटी होने वाला है बाद में एक जुलाई दो से हैदराबाद में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी फिल्म की जो फाइनल शूटिंग है उसको अक्टूबर दो में सेट किया गया था इस फिल्म को मारे मुल्ली फॉरेस्ट ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में इसे अलग अलग के ऊपर शूट किया गया था इस प्रोडक्शन को बाद में स्पेन में ले जाया गया क्योंकि फिल्म में कुछ गाने जो स्पेन के लोकेशन में शूट किए हुए जिसको मार्च दो में शूट किया हुआ था और मार्च महीने में ही इस फिल्म के कुछ पेज वर्क के सीन्स थे उसको कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहाँ पे फिल्म को करीबन डेढ़ सौ मिनट जितना सेंसर करवाया हुआ था जिसको सेंसर

लिरिक्स लिख राोसरा गाना है कल्याण चक्रवर्ती ने सिंगर थे हरिप्रिया और नकुल अभियानकर तीसरा गाना है ना पे रूसी जिसके लिरिक्स चंद्र बोस ने लिखे हुए सिंगर थे श्रेया घोषाल और सेम सी एस चौथा गाना है किंग ऑफ क्राउड रामा रॉन्ग ऑन ड्यूटी टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए शरद मंडावा ने, ने जो, जो फिल्म के डिरेक्टर है और गाया हुआ है लविता लोबो ने पांचवा गाना है उसुरा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कल्याण चक्रवर्ती ने और गाया हुआ श्री रामचंद्रा ने तो ये टोटल पांच गाने जिसको आप भी ऑफिशियली यूट्यूब पे टी सीरीज लहरी म्यूजिक के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुन सकते हो अब बात करें कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो रवि तेजा ने बी राम राव यानी कि डिप्यूटी कलेक्टर एम का रोल प्ले किया हुआ है दिव्यांशा कौशिक नंदनी के रोल में दिखाई देंगे राजेश अभिजन को मालिनी का रोल दिया गया था वेणु थोत्मपुड़ी ने सीआई आई जमी मुरली का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने प्रसाद राव का रोल प्ले किया हुआ है जो रामा राव के फादर है नरेश को रामा राव के फादर इन लोगों का रोल दिया गया था पवित्रा लोकेश ने इस फिल्म में महालक्ष्मी वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो रामा राव की माँ है जॉन विजय ने एस पी देवानंद का रोल प्ले किया हुआ है चैतन्य कृष्णा को सुरेंद्र का रोल दिया गया था तनिकला परानी ने इस फिल्म कलेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है राहुल रामाकृष्णन आपको आनंद के रोल में दिखाई देंगे तो तमपल्ली मधु को एम एल ए सत्यनारायण का रोल दिया गया है इसके अलावा अवे जैन का शीशा नाम का किरदार है जो एक आइटम सॉन्ग में देखने को मिलता है ना पेरो साकर का आइटम नंबर है उसमें उसमें उन्होंने अपना दिया हुआ है तो इस फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने किरदार को प्ले किए हुए कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी को नाइनटीन में सेट किया हुआ है जहाँ पे रामा राव यानी कि रवि तेजा एक रिवेन्यू ऑफिसर है जो करप्शन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते वो करप्शन से पूरी तरह से नफरत का त्यौहार है किसी एक दिन वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड मालिनी से मिलते जिसका रोल प्ले कर राजेशा विजयन वो उसके सामने अपने पति की कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ मिसिंग चीज़ें वो उसके सामने रिवील करती है और उससे मदद मांगती है रामा राव इस केस के ऊपर में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं गांव के उसके ऊपर उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने लगती है वो लोग किस तरह से मिसिंग हो रहे हैं उसके अलावा उसके साथ साथ रेड सैंडलवुड की जो स्मगलिंग हो रही है उसके रिलेटेड कुछ केस दिखाए हुए तो वो किस तरह से कनेक्टेड है इन सभी चीज़ों के पीछे कौन है रामा राव इसको किस तरह से सोल्व करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बना है जहाँ पे फिल्म के प्लॉट को एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग मैनर में सेट किया हुआ था जहाँ पे रवि तेजा ने इस फिल्म में एक सिंसियर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए हैं रेवेन्यू ऑफिसर के रोल में वो काफी सिंसियरली अपना काम करते हुए नजर आते हैं उनकी परफॉर्मेंस खास करके फिल्म के सेकंड हाफ को काफी दमदार बनाती है उन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स दिखाए हुए उस सीन्स में जिस तरह से रवि तेजा का जो कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आएगी ओवरऑल रवि तेजा इस फिल्म की सोल है जहाँ पे वो पूरी तरह से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं अदरवाइज जो मेरे सने वो काफी जगह पे लिख करता हुआ नजर आता है नजर इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है तनी क़िला भरानी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने इम्पोर्टेंट किरदार को प्ले किया हुआ है तो पुडु वेनू ने इस फिल्म के साथ एक बढ़िया कम किया हुआ है उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था और उस किरदार में जो नेगेटिव सेड वाला किरदार था उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है जहाँ पर उनके जो डायलॉग्स थे जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किए वो आपको ज़रूर पसंद आएगी उनके रोल में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को पकड़ने में कामयाब रहे जहाँ पे इस फिल्म के माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से किया हुआ है स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन सारथ मंडावा ने जिस तरह से एक डिसेंट प्लॉट को नेरेट किया हुआ है वो पूरी तरह से बोरिंग नज़र आता है काफी फ्लेट नोट के साथ फिल्म जा रही है और फिल्म के कई सीन्स में तो हाथ पेयर नजर नहीं आते लॉजिक वाले लॉजिक बिना लॉजिक के सीन्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से प्रोसीडिंग देखने को मिलती है वो किसी भी प्रकार का ऑडियंस में इंटरेस्ट क्लियर करने में कामयाब नहीं होती जहाँ पे इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी लेंदे रखा हुआ है जहाँ पे कोई प्रॉपर विलन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है प्रॉपर वे में इस फिल्म में कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है इस फिल्म में दो हीरोइन देखने को मिलती है जहाँ पे उनके जो कहानी में जिस तरह से उनको सेटअप किया हुआ है वो टी सीरियल के आर्टिस्ट हो ऐसा नजर आ रहा था उनको काफी डल मैनर में फिल्म में दिखाया हुआ है इस फिल्म में कोई प्रॉपर विलन ना होने की वजह से केस जिस तरह से इजी सोल्व होता है वो सभी चीजें आपको काफी खटकती है इसके अलावा फिल्म में कोई प्रॉपर इमोशंस देखने को नहीं मिलते जिस तरह चीजों को नेरेट किया हुआ है वो कुछ नहीं कुछ क्रिपिंग नजर नहीं आती है और जिस तरह से सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है वो काफी फेक लगता है इसके अलावा फिल्म में जो ओवर एक्ट करता हुआ मेन विलन देखने को मिलता है जो ऑडियंस को पूरी तरह से इरीटेट करता हुआ नजर आएगा सेकेंड हाफ में उनकी कोई जरूरत नहीं थी क्या पता किस तरह से सभी चीजों को डाक हुआ था वो जरा भी इंप्रेसिव नहीं थी इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म में मेन तो क्या होना चाहिए फिल्म ग्रिपिंग होनी चाहिए सस्पेंस जो इन्वेस्टिगेशन वाले सीन है जिस तरह से जो किरदार दिखाए जाते हैं उस केस के थ्रू कुछ कंफ्यूजन ऑडियंस के मन में क्रिएट होना चाहिए लेकिन ये सभी चीज़ों में ये फिल्म फेल हो जाती है इस फिल्म में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसको हमारे सामने इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाई हो पूरी तरह से फिल्म को बिग बगैर कोई डे डिरशन के डिडिर किया हो ऐसा नज़र आ रहा था फिल्म में कई सीन्स लंबे लंबे खींचे हुए थे बेफालतू तो खींचे हुए थे कुछ सीन तो बिना लॉजिक के स्टोरी के साथ क्यों अटैच किए तो वो नहीं पता चल रहा था और एक तो तो बड़ा सबसे बड़ा जोक ये कि जिस तरह से फिल्म को एंड किया जाता है उससे बताया जाता है कि इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है पहला पार्ट तो ढंग से डिरेक्ट कर लो उसके बाद के बारे में सोचना प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी डिसेंट थी पे फिल्म का कैमरा काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है नाइनटीज का सेट अप था उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है उस सेटअप में जिस तरह से सभी चीजों को हमारे सामने आर्ट डायरेक्टर ने पेश किया हुआ है बढ़िया है उसके ऊपर कैमरा मैन ने जिस तरह सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है वो भी अच्छा नजर आ रहा है कैमरा मैन ने जिस तरह से अपनी सिनेमेटोग्राफी के थ्रू सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश किया होता तो था वो काफ़ी इंप्रेसिव था वहाँ पर उनका काम टॉप टोकनो देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो इम्प्रेसिव था साथ ही में जो गाने थे वो ठीक ठाक थे उतने कुछ खास नहीं थे कुछ गानों की फिल्म में जरूरत भी नहीं थी वहीं पर डायलॉग से वो फिल्म के डिसेंट थे और फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन भी डिसेंट नजर आ रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि शरत मंदावा जिन्होंने फिल्म के साथ पूरी तरह से एक पैथेटिक जॉब प्ले की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस डेब्यू फिल्म के साथ अपने एज अ के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए ऐसा नजर आ रहा है उन्होंने तेजा के किरदार को प्रॉपर इस फिल्म में लिखा नहीं है उनका रवि तेजा का जो स्टारडम है उसका प्रॉपर यूज नहीं किया हुआ है उनके डायरेक्शन में एमलेस नजर आता है उन्होंने ना तो एंटरटेनमेंट डिलीवर किया ना तो प्रॉपर एक्शन डिलीवर कर पाए ना तो कोई ड्रामा डिलीवर कर पाए तो ये सभी चीज़ें ना प्रॉपर वे में डिलीवर करने की वजह से सिर्फ एक ही चीज़ें ऑडियंस से ये फिल्म मांगती है वो है पेशेंट फिल्म ख़त्म होने तक अगर आपके पास पेशेंस है भरपूर मात्रा में तो ये फिल्म खत्म कर सकते हो अगर अदरवाइज ये फिल्म पूरी तरह से आपका पेशेंस टेस्ट करती हुई नजर आएगी फिल्म में जिस तरह से कैरेक्टर को चूज़ किया हुआ है कास्टिंग इमोशनल सीन्स सभी चीज़ें एक्शन ड्रामा कुछ भी वर्क नहीं करता है फिल्म के लिए फिल्म का जो ड्रामा है वो भी के, इम, इमोशन से वो भी ग्रिपिंग नज़र नहीं आते थ्रिलिंग मोमेंट भी उतने कुछ खास नज़र नहीं आते इस फिल्म का फर्स्ट और सेकंड हाफ सभी चीज़ें पूरी फिल्म बोरिंग नज़र आ रही थी ओन एन हॉल ड्रामा रा, और ऑन ड्यूटी एक आउटडेटेड स्टोरी के साथ वही बोरिंग इमोशनल रेस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पर डायरेक्टर की वजह से फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है डायरेक्टर और राइटिंग डिपार्टमेंट का काम अगर मजबूत होता तो ये सभी चीज़ें बेटर हो सकती थी फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी डल मैनर लिखा गया लेन दी रन टाइम फिल्म के प्रति एक और नेगेटिव इंपैक्ट डालता है और ऑडियंस को पूरी तरह से चीजें फर्स्ट्रेट कर देती है अदरवाइज रवि तेजा की सिंसियर परफॉर्मेंस है उनके लिए अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो अदरवाइज फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसे देखा जा सके रवि तेजा की एक सिंसियर परफॉर्मेंस ही है जो फिल्म को थोड़ा ठीक ठाक बना पाती है अब हम बात करें इस फिल्म को कहाँ पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर तो पहले तो रिलीज के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ तो इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को तेलुगु वर्जन में थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे काफ़ी मल्टीपल रिलीज डेट चेंज करने के बाद फाइनली इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था उसके करीबन एक वीक के बाद यानी कि पाँच अगस्त के आसपास 2022 को इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी एक ठीक ठाक रिलीज दिलवाई हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में भी बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था तो हिंदी तेलुगु वर्ज़न में दोनों वर्ज़न फिल्म को रिलीज़ किया जहाँ पे तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में फिल्म को आई पे टोटल पाँच वोट मिले तो छः वोट के आसपास वोट मिले हुए थे जिसमें सिर्फ पाँच की रेटिंग हासिल

करियर के वन ऑफ द हाईएस्ट डिजास्टर फिल्मों में से एक एक फिल्म साबित हुई है जहां पे फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई थी बॉक्स ऑफिस पे अगर अब अभी आपको ये फिल्म ओ पे देखनी हो तो इसके ओ राइट्स खरीदे हुए सोनी लिव वालों ने तो तेलुगु वर्जन में ये फिल्म आपको करीबन थिएट्रिकल रिलीज़ के तीस पैंतीस दिनों के बाद सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर जो फिल्म का हिंदी वर्जन है उसको भी फॉरी मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा अब कब करवाया जाएगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो हो चुका है हिंदी वर्जन का और तेलुगु दोनों वर्ज़न का तो ये फिल्म शायद आपको सोनी लिव में भी हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकती है अगर बिफोर मोशन पिक्चर्स इसके राइट को बेचते हैं तो अदरवाइज है, 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 है। इनमें से कोई चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन में प्रीमियर करवाया जाएगा फ्री में उसके बाद यूट्यूब पे ऑफिशियली बिफोर यू मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया जाएगा अदरवाइज अगर जी सिनेमा इस फिल्म को प्रीमियर करवा रहे तो टेलीविजन पर तो शायद जी

ऑफिशियली आती है तो बिफोर यूट्यूब चैनल के ऊपर आएगी अदर अदरवाइज इसका और एक एंगल है पे फिल्म सोनी लिव पे तेलुगु वर्जन के साथ हिंदी वर्जन में भी प्रीमियर करवाई जा सकती है लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है अब आने वाले समय में ही ये सभी चीज़ें पता चलेगी रामाव ऑन ड्यूटी जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री एक्शन फिल्म है जहां पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन ये सभी चीजें शरत मंडावा ने किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर चेरू ने इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रवि तेजा दिव्यांशा कौशिक राजीसा विज्ञान और वेणु थोतेमपुरी इनके अलावा नजर नरेश पवित्रा लोकेश जॉन विजय चैतन्य कृष्णा तनिकला भरानी राहुल रामाकृष्णन तोतमपल्ली मधु श्री मधुसूदन राव सुरेखा वानी पृथ्वीराज छमक चंद्रा और आवे जैन का एक आइटम नंबर है तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ओवरऑल इतने ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सत्यान सूर्या ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग की हुई प्रवीण केले के एल ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 30 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों सेम एम सी ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स से वो टी सीरीज लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए जहाँ पे टोटल पाँच गाने जिसको कंपोज किया हुआ है सी uh, सीएमसीएस ने इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर बातचीत करें तो श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमा और आर टी टीम वर्क जहाँ पे आर टी टीम वर्क रवि तेजा का प्रोडक्शन कंपनी है तो दो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को 50 से 60 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो ये एक ओवरऑल हाई बजट वाली फिल्म थी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म को पहले तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फ़िल्म को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज़ किया गया था करीबन एक दो वीक के बाद इस फिल्म का हिंदी वर्जन एक वीक के बाद फिल्म का हिंदी वर्जन प्रीमियर करवाया गया था

ुल्ली फॉरेस्ट ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में इसे अलग अलग लोकेशंस के ऊपर शूट किया गया था इस प्रोडक्शन को बाद में स्पेन में ले जाया गया क्योंकि फिल्म में कुछ गाने जो स्पेन के लोकेशन में शूट किए हुए जिसको मार्च दो में शूट किया हुआ था और मार्च महीने में इस फिल्म के कुछ पेज वर्क के सीन्स उसको कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे फिल्म को करीबन डेढ़ सौ मीटर जितना सेंसर करवाया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड

जिसके लिरिक्स लिखे हुए कल्याण चक्रवर्ती ने और गाया हुआ है श्री रामचंद्र ने तो ये टोटल पांच गाने जिसको आप भी ऑफिशियली पे टी सीरीज लहरी म्यूजिक के के चैनल ऊपर तेलुगु वर्जन में सुन सकते हो अब बात करें कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो रवि तेजा ने बी रामाव यानी कि डिप्यूटी कलेक्टर एम आर ओ का रोल प्ले किया हुआ है दिव्यांशा कौशिक नंदनी के रोल में दिखाई देंगे राजेशा विजयन को मालिनी का रोल दिया गया था वेणु थोत्मपुड़ी ने सीआई आई जमी मुरली का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने प्रसाद राव का रोल प्ले किया हुआ है जो रामाव के फादर है नरेश को रामा राव के फादर इन लोगों का रोल दिया गया था पवित्रा लोकेश ने इस फिल्म में महालक्ष्मी वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो रामाव की माँ है जॉन विजय ने एस पी देवानंद का रोल प्ले किया हुआ है चैतन्य कृष्णा को सुरेंद्र का रोल दिया गया था तनिकेला परानी ने इस फिल्म कलेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है राहुल रामाकृष्णन आपको आनंद के रोल में दिखाई देंगे तो पल्ली मधु को एम एल ए सत्यनारायण का रोल दिया गया है इसके अलावा अवेसी जैन का शीशा नाम का जो किरदार है जो एक आइटम सॉन्ग में देखने को मिलता है ना पेरो साकर के आइटम नंबर है उसमें उसमें उन्होंने अपना कई अपरियंस दिया हुआ है तो इस फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इम्पोर्टेंट किरदार को प्ले किए हुए कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी को नाइनटीन में सेट किया हुआ है जहाँ पे रामा राव यानी कि रवि तेजा एक रिवेन्यू ऑफिसर है जो करप्शन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते वो करप्शन से पूरी तरह से नफरत का त्यौहार है किसी एक दिन वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड मालिनी से मिलते जिसका रोल प्ले करे राजेशा विजयन वो उसके सामने अपने पति की कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ मिसिंग चीज़ें वो उसके सामने रिवील करती है और उससे मदद मांगती है रामाराव इस केस के ऊपर में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है और इसके अलावा काफी सारे ऐसे लोग रहते हैं गाँव के उसके ऊपर उसको काफी सारी चीजें पता चलने लगती है वो लोग किस तरह से मिसिंग हो रहे हैं उसके अलावा उसके साथ साथ रेड सैंडलवुड की जो स्मगलिंग हो रही है उसके रिलेटेड कुछ केस दिखाए हुए तो वो किस तरह से कनेक्टेड है इन सभी चीजों के पीछे कौन है रामा राव इसको किस तरह से सोल्व करेगा वही सब चीजें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे फिल्म के प्लॉट को एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग मैनर में सेट किया हुआ था जहाँ पे रवि जा ने इस फिल्म में एक सिंसियर परफॉर्मेंस डिलीवर की वो हुए ऑफिसर के रोल में वो काफी मुकाबले सेकंड में जिस वाले दिखाए हुए उस सीन्स में जिस तरह से रवि तेजा का जो कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आएगी ओवरऑल रवि तेजा इस फिल्म की सोल है जहाँ पे वो पूरी तरह से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे आगे ले जाने की कोशिश करते अदरवाइज जो निरेशन है वो काफी जगह पे लिख करता हुआ नजर आता है नजर इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है तनी किला भरानी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने इम्पोर्टेंट किरदार को प्ले किया हुआ है तो पुडु वेणु ने इस फिल्म के साथ एक बढ़िया कम किया हुआ है उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था और उस किरदार में जो नेगेटिव सेड वाला किरदार था उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे उनके जो डायलॉग्स थे जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किए वो आपको ज़रूर पसंद आएगी उनके रोल में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को पकड़ने में कामयाब रहे जहाँ पे इस फिल्म के माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से किया हुआ है स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन सारथ मंडावा ने जिस तरह से एक डिसेंट प्लॉट को नेरेट किया हुआ है पूरी तरह से बोरिंग नजर आता है काफी फ्लेट नोट के साथ फिल्म जा रही है और फिल्म के कई सीन्स में तो हाथ पेयर नज़र नहीं आते लॉजिक वाले लॉजिक बिना लॉजिक के सीन्स देखने को मिलते जिस तरह से प्रोसीडिंग देखने को मिलती है वो किसी भी प्रकार का ऑडियंस में इंटरेस्ट क्लियर करने में कामयाब नहीं होती जहाँ पे इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी लेंदे रखा हुआ है जहाँ पे कोई प्रॉपर विलन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है प्रॉपर वे में इस फिल्म में कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है इस फिल्म में दो हीरोइन देखने को मिलती है जहाँ पे उनके जो कहानी में जिस तरह से उनको सेटअप किया हुआ है वो टीवी सीरियल के हो ऐसा नजर आ रहा था उनको काफी डल मैनर में फिल्म में दिखाया हुआ है इस फिल्म में कोई प्रॉपर विलन ना होने की वजह से केस जिस तरह से इजी सॉल्व होता है वो सभी चीजें आपको काफ़ी खटकती है इसके अलावा फिल्म में कोई प्रॉपर इमोशंस देखने को नहीं मिलते जिस तरह चीजों को नेरेट किया हुआ है वो कुछ नहीं कुछ क्रिपिंग नजर नहीं आती है और जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो काफी फेक लगता है इसके अलावा फिल्म में जो ओवर एक्ट करता हुआ मेन विलन देखने को मिलता है जो ऑडियंस को पूरी तरह से इरीटेट करता हुआ नजर आएगा सेकेंड हाफ में उनकी कोई जरूरत नहीं थी क्या पता किस तरह से सभी चीज़ों को डाला हुआ था वो जरा भी इम्प्रेसिव नहीं थी इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म में मेन तो क्या होना चाहिए फिल्म ग्रिपिंग होनी चाहिए सस्पेंस जो इन्वेस्टिगेशन वाले सीन है जिस तरह से जो किरदार दिखाए जाते हैं उस केस के थ्रू कुछ कंफ्यूजन ऑडियंस के मन में क्रिएट होना चाहिए लेकिन ये सभी चीज़ों में ये फिल्म फेल हो जाती है इस फिल्म में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसको हमारे सामने इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाई हो पूरी तरह से फिल्म को बिग बगैर कोई डे डिरशन के डिडिर किया हो ऐसा नज़र आ रहा था फिल्म में कई सीन्स लंबे लंबे खींचे हुए थे बेफालतू खींचे हुए थे कुछ सीन तो बिना लॉजिक के स्टोरी के साथ क्यों अटैच किए थे वो नहीं पता चल रहा था और एक तो बड़ा सबसे बड़ा जोक ये कि जिस तरह से फिल्म को एंड किया जाता है उससे बताया जाता है कि इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है पहला पार्ट तो ढंग से डिरेक्ट कर लो उसके बाद सीक्वल के बारे में सोचना प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी डिसेंट थी जहाँ पे फिल्म का कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया, है। किया, है। किया हुआ है नाइन्टीज़ का सेटअप था उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है उस सेटअप में जिस तरह से सभी चीज़ों को हमारे सामने आर्ट डायरेक्टर ने पेश किया हुआ है बढ़िया है उसके ऊपर कैमरा मैन ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो भी अच्छा नजर आ रहा है कैमरा मैन ने जिस तरह से अपनी सिनेमेटोग्राफी के थ्रू सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफ़ी इंप्रेसिव था वहाँ पर उनका काम टॉप टोकनो देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो इंप्रेसिव था साथ ही में जो गाने थे वो ठीक ठाक थे उतने कुछ खास नहीं थे कुछ गानों की फिल्म में जरूरत भी नहीं थी वहीं पे डायलॉग से वो फिल्म के डिसेंट थे और भी डिसेंट भी डिसेंट दरवाजे पूरी तरह से, से बंद कर लिए ऐसा नजर आ रहा है उन्होंने तेजा के किरदार को प्रॉपर इस फिल्म में लिखा नहीं है उनका तेजा का जो स्टारडम है उसका प्रॉपर यूज नहीं किया हुआ है उनके डायरेक्शन में एमलेस नजर आता है उन्होंने ना तो एंटरटेनमेंट डिलीवर किया ना तो प्रॉपर एक्शन डिलीवर कर पाए ना तो कोई ड्रामा डिलीवर कर पाए तो ये सभी चीज़ें ना प्रॉपर वे में डिलीवर करने की वजह से सिर्फ एक ही चीज़ हो जाए ऑडियंस से ये फिल्म मांगती है वो है पेशेंट फिल्म ख़त्म होने तक अगर आपके पास पेशेंस है भरपूर मात्रा में तो तो ये फिल्म ख़त्म कर सकते हो अगर अदरवाइज ये फिल्म पूरी तरह से आपका पेशेंस टेस्ट करती हुई नज़र आएगी फिल्म में जिस तरह से कैरेक्टर को चूज किया हुआ है कास्टिंग इमोशनल सीन्स सभी चीज़ें एक्शन ड्रामा कुछ भी वर्क नहीं करता है फिल्म के लिए फिल्म का जो ड्रामा है वो भी इमोशन से वो भी ग्रिपिंग नज़र नहीं आते थ्रिलिंग मोमेंट भी उतने कुछ खास नज़र नहीं आते इस फिल्म का फर्स्ट और सेकंड हाफ सभी चीज़ें पूरी फिल्म बोरिंग नज़र आ रही थी ओन एन होल ड्रामा और ऑन ड्यूटी एक आउटडेटेड स्टोरी के साथ वही बोरिंग इमोशनल रेस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे डायरेक्टर की वजह से फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आती है डायरेक्टर और राइटिंग डिपार्टमेंट का काम अगर मजबूत होता तो ये सभी चीज़ें बेटर हो सकती थी फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी डल मैनर में लिखा गया है लेन रन टाइम फिल्म के प्रति एक और नेगेटिव इंपैक्ट डालता है और ऑडियंस को यह पूरी तरह से चीज़ें फर्स्ट्रेट कर देती है अदरवाइज रवि तेजा की सेंसियर परफॉर्मेंस है उनके लिए अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो अदरवाइज फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसे देख जा सके रवि तेजा की परफॉर्मेंस ही है जो फिल्म को थोड़ा ठीक ठाक बना पाती है अब हम बात करें इस फिल्म को कहाँ पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर तो पहले तो रिलीज के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ तो इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को तेलुगु वर्जन में थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे काफी मल्टीपल रिलीज डेट चेंज करने के बाद फाइनली इस फिल्म को रिलीज किया गया था उसके करीबन एक वीक के बाद यानी कि पांच अगस्त के आसपास 2022 को इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी एक ठीक ठाक रिलीज दिलवाई हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था तो हिंदी तेलुगु वर्जन में दोनों वर्जन फिल्म को रिलीज किया जहाँ पे तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में फिल्म को IMDb पे टोटल सतासी वोट मिले तो छे वोट के आसपास वोट मिले हुए थे जिसमे सिर्फ पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सभी चीजें फिल्म के हित में नहीं गई क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी नेगेटिव और

अगर अब अभी आपको ये फिल्म ओ पे देखनी हो तो इसके ओ टी टी खरीदे हुए सोनी लिव वालों ने तो तेलुगु वर्जन में ये फिल्म आपको करीबन थिएट्रिकल रिलीज़ के तीस पैंतीस दिनों के बाद सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर जो फिल्म का हिंदी वर्जन है उसको भी यू मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा अब कब करवाया जाएगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो हो चुका है हिंदी वर्जन का और तेलुगु दोनों वर्जन का तो ये फिल्म शायद आपको सोनी लिव में भी हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकती अगर भी you, pictures, को है अगर बिफोर यू मोशन पिक्चर्स इसके राइट सोनी लिव को बेचते हैं तो अदरवाइज़ इस फिल्म को पहले टेलीविज़न पर प्रीमियर करवाया जाएगा वो बिफोर यू कड़क पे होता है या बिफोर ई मूवीज पे होता है या जी सिनेमा के ऊपर होता है वो अभी तक का प्रॉपर डिस्क्रोसमेंट नहीं हुई है इनमें से कोई चैनल के ऊपर ये फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रीमियर करवाया जाएगा फ्री में उसके बाद यूट्यूब पे ऑफिशियली बिफोर मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया जाएगा अदरवाइज अगर जी सिनेमा इस फिल्म को प्रीमियर करवा रहे तो टेलीविजन पर तो शायद जी के ऊपर भी ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि रामारा ऑन ड्यूटी फिल्म आप तेलुगू वर्जन में थिएट्रिकल रिलीज के एक वीक के सॉरी एक मंथ के बाद सोनी लीवी एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट बीफोर इमोशन पिक्चर्स के पास है तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पर बिफोर यू के द्वारा रिलीज करवाई जाएगी अब वो जी सिनेमा पे होती है या बिफोर यू के चैनल के ऊपर होती है वो उनके ऊपर है अदरवाइज तो यह फिल्म अगर यूट्यूब पर ऑफिशियली आती है तो बिफोर यू मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आएगी अदर इस अदरवाइज इसका और एक एंगल है जहां पे फिल्म सोनी ल्यू पे तेलुगु वर्जन के साथ हिंदी वर्जन में भी प्रीमियर करवाई जा सकती है लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है अब आने वाले समय में ही ये सभी चीजें पता चलेगी रामाराव ऑन ड्यूटी जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री एक्शन फिल्म है जहां इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज के साथ-साथ हिंदी डबड वर्जन में थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन ये सभी चीजें शरथ मंडावा ने किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर चेरू ने इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रवि तेजा दिव्यांशा कौशिक राजेशा विज्ञान और वेणु थोतेमपुरी इनके अलावा नजर नरेश पवित्रा लोकेश जौन विजय चैतन्य कृष्णा तनिकला भरानी राहुल रामाकृष्णन थोतमपल्ली मधु श्री मधुसूदन राव सुरेखा वानी पृथ्वीराज छमक चंद्रा और आवेशी जैन का एक आइटम नंबर है तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ओवरऑल इतने ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सत्यान सूर्या ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग की हुई प्रवीण केले के एल ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 30 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों सेम एम सी ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक राइट से वो टी सीरीज लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए जहाँ पे टोटल पाँच गाने जिसको कंपोज़ किया हुआ है सी uh, ने इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर बातचीत करें तो श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमा और आर टी टीम वर्कस जहाँ पे आर टी टीम वर्क रवि तेजा का प्रोडक्शन कंपनी है तो दो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को पचास से साठ करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो ये एक ओवरऑल हाई बजट वाली फिल्म थी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म को पहले तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फ़िल्म को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज़ किया गया था करीबन एक दो वीक के बाद इस फिल्म का हिंदी वर्जन एक वीक के बाद फिल्म का हिंदी वर्जन प्रीमियर करवाया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को टेंटेटिव टाइटल दिया गया था आर टी सिक्सटी एट जहाँ पर रवि तेजा की अड़सठवीं फिल्म थी तो इस तरह से फिल्म का टाइटल अनाउंस करते हुए एक प्रॉपर अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद में जुलाई दो में एक ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पर बताया गया था कि रवि तेजा की जो अड़सठवीं फिल्म है उसका नाम रामारा ऑन ड्यूटी होने वाला है बाद में एक जुलाई दो से हैदराबाद में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी फिल्म की जो फाइनल शूटिंग है उसको अक्टूबर दो में सेट किया गया था इस फिल्म को मारे मुल्ली फॉरेस्ट ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में इसे अलग अलग के ऊपर शूट किया गया था इस प्रोडक्शन को बाद में स्पेन में ले जाया गया क्योंकि फिल्म में कुछ गाने जो स्पेन के लोकेशन में शूट किए हुए जिसको मार्च दो में शूट किया हुआ था और मार्च महीने में ही इस फिल्म के कुछ पेज वर्क के सीन्स थे उसको कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहाँ पे फिल्म को करीबन डेढ़ सौ मिनट जितना सेंसर करवाया हुआ था जिसको सेंसर

लिरिक्स लिखे हुए राके मोली ने सिंगर थे सिद्ध राम दूसरा गाना है सोतला बुगलो जिसके लिरिक्स लिखे हुए कल्याण चक्रवर्ती ने सिंगर थे हरिप्रिया और नकुल अभियानकर तीसरा गाना है ना पे रूसिंद्र बोस ने लिखे हुए सिंगर थे श्रेया घोषाल और सेम सी एस चौथा गाना है किंग ऑफ क्राउड रामा रॉन्ग ऑन ड्यूटी टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए शरद मंडावा ने जो फिल्म के डरेक्टर है और गाया हुआ है लविता लोबो ने पांचवा गाना है उसुरा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कल्याण चक्रवर्ती ने और गाया हुआ श्री रामचंद्रा ने तो ये टोटल पांच गाने जिसको आप भी ऑफिशियली यूट्यूब पे टी सीरीज लहरी म्यूजिक के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुन सकते हो अब बात करें कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो रवि तेजा ने बी रामाव यानी कि डिप्यूटी कलेक्टर एम का रोल प्ले किया हुआ है दिव्यांशा कौशिक नंदनी के रोल में दिखाई देंगे राजेश अभिजन को मालिनी का रोल दिया गया था वेणु थोत्मपुड़ी ने सीआई आई जमी मुरली का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने प्रसाद राव का रोल प्ले किया हुआ है जो रामा राव के फादर है नरेश को रामा राव के फादर इन लोगों का रोल दिया गया था पवित्रा लोकेश ने इस फिल्म में महालक्ष्मी वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो रामाव की माँ है जॉन विजय ने एस पी देवानंद का रोल प्ले किया हुआ है चैतन्य कृष्णा को सुरेंद्र का रोल दिया गया था तनिकला परानी ने इस फिल्म कलेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है राहुल रामाकृष्णन आपको आनंद के रोल में दिखाई देंगे तो तमपल्ली मधु को एम एल ए सत्यनारायण का रोल दिया गया है इसके अलावा अवे जैन का शीशा नाम का किरदार है जो एक आइटम सॉन्ग में देखने को मिलता है ना पेरो उसमें। उसमें हुआ है तो इस फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने किरदार को प्ले किए हुए कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी को नाइनटीन में सेट किया हुआ है जहाँ पे रामा राव यानी कि रवि तेजा एक रिवेन्यू ऑफिसर है जो करप्शन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते वो करप्शन से पूरी तरह से नफरत का त्यौहार है किसी एक दिन वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड मालिनी से मिलते है जिसका रोल प्ले कर राजेशा विजयन वो उसके सामने अपने पति की कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ मिसिंग चीजें वो उसके सामने रिवील करती है और उससे मदद मांगती है रामा राव इस केस के ऊपर में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं गांव के उसके ऊपर उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने लगती है वो लोग किस तरह से मिसिंग हो रहे हैं उसके अलावा उस के साथ साथ रेड सैंडलवुड की जो स्मगलिंग हो रही है उसके रिलेटेड कुछ केस दिखाए हुए हैं तो वो किस तरह से कनेक्टेड है इन सभी चीज़ों के पीछे कौन है रामा राव इसको किस तरह से सोल्व करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे फिल्म के प्लॉट को एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में सेट किया हुआ था जहाँ पे रवि तेजा ने इस फिल्म में एक सिंसियर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए रेवेन्यू ऑफिसर के रोल में वो काफ़ी सिंसियरली अपना काम करते हुए नजर आते हैं उनकी परफॉर्मेंस खास करके फिल्म के सेकंड हाफ को काफ़ी दमदार बनाती है उन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स दिखाए हुए उस सीन्स में जिस तरह से रवि तेजा का जो कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आएगी ओवरऑल रवि तेजा इस फिल्म की सोल है जहाँ पर वो पूरी तरह से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं अदरवाइज जो नेरेशन है वो काफी जगह पे लिख करता हुआ नजर आता है नजर इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है तनी क़िला भरानी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने इम्पोर्टेंट किरदार को प्ले किया हुआ है तो पुडु वेनू ने इस फिल्म के साथ एक बढ़िया कम किया हुआ है उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था और उस किरदार में जो नेगेटिव सेड वाला किरदार था उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है जहाँ पर उनके जो डायलॉग्स थे जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किए वो आपको ज़रूर पसंद आएगी उनके रोल में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को पकड़ने में कामयाब रहे जहाँ पे इस फिल्म के माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से किया हुआ है स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन सारथ मंडावा ने जिस तरह से एक डिसेंट प्लॉट को नेरेट किया हुआ है वो पूरी तरह से बोरिंग नज़र आता है काफी फ्लेट नोट के साथ फिल्म जा रही है और फिल्म के कई सीन्स में तो हाथ फेर नजर नहीं आते लॉजिक वाले लॉजिक बिना लॉजिक के सीन्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से प्रोसीडिंग देखने को मिलती है वो किसी भी प्रकार का ऑडियंस में इंटरेस्ट क्लियर करने में कामयाब नहीं होती जहाँ पे इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी लेंदे रखा हुआ है जहाँ पे कोई प्रॉपर विलन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है प्रॉपर वे में इस फिल्म में कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है इस फिल्म में दो हीरोइन देखने को मिलती है जहाँ पे उनके जो कहानी में जिस तरह से उनको सेटअप किया हुआ है वो टीवी सीरियल के हो ऐसा नजर आ रहा था उनको काफ़ी डल मैनर में फिल्म में दिखाया हुआ है इस फिल्म में कोई प्रॉपर विलन ना होने की वजह से केस जिस तरह से इजी सॉल्व होता है वो सभी चीज़ें आपको काफ़ी खटकती है इसके अलावा फिल्म में कोई प्रॉपर इमोशंस देखने को नहीं मिलते जिस तरह चीज़ों को नेरेट किया हुआ है वो कुछ नहीं कुछ क्रिपिंग नज़र नहीं आती है और जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी फेक लगता है इसके अलावा फिल्म में जो ओवर एक्ट करता हुआ मेन विलन देखने को मिलता है जो ऑडियंस को पूरी तरह से इरीटेट करता हुआ नज़र आएगा सेकेंड हाफ में उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्या पता किस तरह से सभी चीज़ों को डाला हुआ था वो ज़रा भी इम्प्रेसिव नहीं थी इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म में मेन तो क्या होना चाहिए फिल्म क्रिपिंग होनी चाहिए सस्पेंस जो इन्वेस्टिगेशन वाले सीन है जिस तरह से जो किरदार दिखाए जाते हैं उस केस के थ्रू कुछ कन्फ्यूजन ऑडियंस के मन में क्रिएट होना चाहिए लेकिन ये सभी चीज़ों में ये फिल्म फेल हो जाती है इस फिल्म में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसको हमारे सामने इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाई हो पूरी तरह से फिल्म को बिग बगैर कोई डे डिरशन के दी डिडिर किया हो ऐसा नज़र आ रहा था फिल्म में कई सीन्स लंबे लंबे खींचे हुए थे बेफालतू तो खींचे हुए थे कुछ सीन तो बिना लॉजिक के स्टोरी के साथ क्यों अटैच किए तो वो नहीं पता चल रहा था और एक तो बड़ा सबसे बड़ा जोक ये है कि जिस तरह से फिल्म को एंड किया जाता है उससे बताया जाता है कि इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है पहला पार्ट तो ढंग से डिरेक्ट कर लो उसके बाद सीक्वल के बारे में सोचना प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी डिसेंट थी जहाँ पे फिल्म का कैमरा और काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है नाइन्टीज़ का जो सेटअप था उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है उस सेटअप में जिस तरह से सभी चीज़ों को हमारे सामने आर्ट डायरेक्टर ने पेश किया हुआ है बढ़िया है उसके ऊपर कैमरा मैन ने जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो भी अच्छा नज़र आ रहा है कैमरा मैन ने जिस तरह से अपनी सिनेमेटोग्राफी के थ्रू सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफ़ी इंप्रेसिव था वहाँ पर उनका काम टॉप टोकनोच देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो इंप्रेसिव था साथ ही में जो गाने थे वो ठीक ठाक थे उतने कुछ खास नहीं थे

डिलीवर किया ना तो प्रॉपर एक्शन डिलीवर कर पाए ना तो कोई ड्रामा डिलीवर कर पाए तो ये सभी चीज़ें ना प्रॉपर वे में डिलीवर करने की वजह से सिर्फ एक ही जाए ऑडियंस से ये फिल्म मांगती है वो है पेशेंट फिल्म ख़त्म होने तक अगर आपके पास पेशेंस है भरपूर मात्रा में तो तो ये फिल्म ख़त्म कर सकते हो अगर अदरवाइज ये फिल्म पूरी तरह से आपका पेशेंस टेस्ट करती हुई नज़र आएगी फिल्म में जिस तरह से कैरेक्टर को चूज़ किया हुआ है कास्टिंग इमोशनल सीन्स सभी चीज़ें एक्शन ड्रामा कुछ भी वर्क नहीं करता है फिल्म के लिए फ़िल्म का जो ड्रामा है वो भी इमोशन से वो भी ग्रिपिंग नज़र नहीं आते थ्रिलिंग मोमेंट भी उतने कुछ खास नज़र नहीं आते इस फिल्म का फर्स्ट और सेकंड और सभी चीज़ें पूरी फिल्म बोरिंग नज़र आ रही थी ओन एंड होल ड्रामा और ओन ड्यूटी एक आउटडेटेड स्टोरी के साथ वही बोरिंग इमोशनल रेस एक्सनड्रामा फिल्म है जहाँ पे डायरेक्टर की वजह से फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आती है डायरेक्टर और राइटिंग डिपार्टमेंट का काम अगर मजबूत होता तो ये सभी चीज़ें बेटर हो सकती थी फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी डल मैनर में, में लिखा गया है लेन द रन टाइम फिल्म के प्रति एक और नेगेटिव इम्पेक्ट डालता है और ऑडियंस को पूरी तरह से चीज़ें फर्स्ट्रेट कर देती है अदरवाइज रवि तेजा की सेंसियर परफॉर्मेंस है उनके लिए अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो अदरवाइज फिल्म ऐसा कुछ नहीं है जिसे देखा

2022 को इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी एक ठीक ठाक रिलीज दिलवाई हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था तो हिंदी तेलुगु वर्जन में दोनों वर्जन फिल्म को रिलीज किया जहाँ पे तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में फिल्म को आई पे टोटल पांच वोट मिले तो छे वोट के आसपास वोट मिले हुए थे जिसमें सिर्फ पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सभी चीजें फिल्म के हित में नहीं गई क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी नेगेटिव और रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते ये फिल्म दूसरे दिन ही पूरी तरह से सिर्फ, सिर्फ करने, करने तो के के तो जा सकता है दो दिनों में सात करोड़ तो फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई है रवि तेजा के करियर के वन ऑफ दाइस्ट डिजास्टर फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई है जहाँ पे फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई थी बॉक्स ऑफिस पे अगर अब अभी आपको ये फिल्म ओ पे देखनी हो तो इसके ओ राइट्स खरीदे हुए सोनी लिव वालों ने तो तेलुगु वर्जन में ये फिल्म आपको करीबन थिएट्रिकल रिलीज के तीस पैंतीस दिनों के बाद सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर जो फिल्म का हिंदी वर्जन है उसको भी यू मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा अब कब करवाया जाएगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो हो चुका है हिंदी वर्जन का और तेलुगू दोनों वर्जन का तो ये फिल्म शायद आपको सोनी लिव में भी हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकती है अगर बिफोर यू मोशन पिक्चर्स इसके राइट सोनी लिव को बेचते हैं तो अदरवाइज इस फिल्म को पहले टेलीविजन पर प्रीमियर करवाया जाएगा वो बिफोर यू कड़क पे होता है या बिफोर यू मूवीज़ पे होता है या जी सिनेमा के ऊपर होता है वो अभी तक प्रॉपर डिस्क्रोसमेंट नहीं हुई है इनमें से कोई चैनल के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा अदरवाइज अगर जी सिनेमा इस फिल्म को प्रीमियर करवा रहे तो टेलीविजन पर तो शायद जी के ऊपर भी हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि रामारा ओन ड्यूटी फिल्म आपको तेलुगु वर्जन में थिएट्रिकल रिलीज के एक वीक

रिपेयर करवाई जा सकती है लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है अब आने वाले समय में ही ये सभी चीज़ें पता चलेगी कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी को 1995 में सेट किया हुआ है जहां पे रामा राव यानी कि रवि तेजा एक रिवेन्यू ऑफिसर है जो करप्शन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते वो करप्शन से पूरी तरह से नफरत का तैयार है किसी एक दिन वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड मालिनी से मिलते है, जिसका रोल प्ले करे राजेशा विजयन वो उसके सामने अपने पति की कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ मिसिंग चीज़ें वो उसके सामने रिवील करती है और उससे मदद मांगती है रामाराव इस केस के ऊपर में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है और इसके अलावा काफी सारे ऐसे लोग रहते हैं गांव के उसके ऊपर उसको काफी सारी चीजें पता चलने लगती है वो लोग किस तरह से मिसिंग हो रहे हैं उसके अलावा उसके साथ साथ रेड सैंडलवुड की जो स्मगलिंग हो रही है उसके रिलेटेड कुछ केस दिखाए हुए तो वो किस तरह से कनेक्टेड है इन सभी चीजों के पीछे कौन है रामा राव इसको किस तरह से सोल्व करेगा वही सब चीजें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे फिल्म के प्लॉट को एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग मैनर में सेट किया हुआ था जहाँ पे रवि जा ने इस फिल्म में एक सिंसियर परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है के में, वो काफी सिंसियरली अपना काम करते हुए नजर आते हैं उनकी परफॉर्मेंस के फिल्म सेकंड हाफ को काफ़ी दमदार बनाती है उन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स दिखाए हुए उस सीन्स में जिस तरह से रवि तेजा का जो कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आएगी ओवरऑल रवि तेजा इस फिल्म की सोल है जहाँ पे वो पूरी तरह से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे आगे ले जाने की कोशिश ती है अदरवाइज जो नेरेशन है वो काफी जगह पे लिख करता हुआ नजर आता है नज़र इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है तनी क़िला ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने इम्पोर्टेंट किरदार को प्ले किया हुआ है तो पुडु वेनू ने इस फिल्म के साथ एक बढ़िया कम किया हुआ है उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था और उस किरदार में जो नेगेटिव सेड वाला किरदार था उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है जहाँ पर उनके जो डायलॉग्स थे जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किए वो आपको ज़रूर पसंद आएगी उनके रोल में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को पकड़ने में कामयाब रहे जहाँ पे इस फिल्म के माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से किया हुआ है स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन सारथ मंडावा ने जिस तरह से एक डिसेंट प्लॉट को नेरेट किया हुआ है वो पूरी तरह से बोरिंग नज़र आता है काफ़ी फ्लेट नोट के साथ फिल्म जा रही है और फिल्म के कई सीन्स में तो हाथ पेयर नज़र नहीं आते लॉजिक वाले लॉजिक बिना लॉजिक के सीन्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से प्रोसीडिंग देखने को मिलती है वो किसी भी प्रकार का ऑडियंस में इंटरेस्ट क्लियर करने में कामयाब नहीं होती जहाँ पे, इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी लेंदे रखा हुआ है जहाँ पे कोई प्रॉपर विलन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है प्रॉपर वे में इस फिल्म में कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है इस फिल्म में दो हीरोइन देखने को मिलती है जहाँ पे उनके जो कहानी में जिस तरह से उनको सेटअप किया हुआ है वो टीवी सीरियल के आर्टिस्ट हो ऐसा नजर आ रहा था उनको काफी डल मैनर में फिल्म में दिखाया हुआ है इस फिल्म में कोई प्रॉपर विलन ना होने की वजह से केस जिस तरह से इजी सोल्व होता है वो सभी चीजें आपको काफी खटकती है इसके अलावा फिल्म में कोई प्रॉपर इमोशंस देखने को नहीं मिलते जिस तरह चीजों को नेरेट किया हुआ है वो कुछ नहीं कुछ क्रिपिंग नजर नहीं आती है और जिस तरह से सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है वो काफी फेक लगता है इसके अलावा फिल्म में जो ओवर एक्ट करता हुआ मेन विलन देखने को मिलता है जो ऑडियंस को पूरी तरह से इरीटेट करता हुआ नजर आएगा सेकेंड हाफ में उनकी कोई जरूरत नहीं थी क्या पता किस तरह से सभी चीजों को डाल हुआ था वो जरा भी इंप्रेसिव नहीं थी इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म में मेन तो क्या होना चाहिए फिल्म क्रिपिंग होनी चाहिए सस्पेंस जो इन्वेस्टिगेशन वाले सीन है जिस तरह से जो किरदार दिखाए जाते हैं उस केस के थ्रू कुछ कंफ्यूजन ऑडियंस के मन में क्रिएट होना चाहिए लेकिन ये सभी चीज़ों में ये फिल्म फेल हो जाती है इस फिल्म में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसको हमारे सामने इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाई हो पूरी तरह से फिल्म को बगैर कोई डे डिरशन के डिडिर किया हो ऐसा नज़र आ रहा था फिल्म में कई सीन्स लंबे लंबे खींचे हुए थे बेफालतू खींचे हुए थे कुछ सीन तो बिना लॉजिक के स्टोरी के साथ क्यों अटैच किए तो वो नहीं पता चल रहा था और एक तो बड़ा सबसे बड़ा जोक ये है कि जिस तरह से फिल्म को एंड किया जाता है उससे बताया जाता है कि इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है पहला पार्ट तो ढंग से डिरेक्ट कर लो उसके बाद सीक्वल के के बारे में सोचना प्रोडक्शन ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी डिसेंट थी, जहां पे फिल्म का कैमरा वर्क काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है नाइनटीज का सेटअप था उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है उस सेटअप में जिस तरह से सभी चीजों को हमारे सामने आर्ट डायरेक्टर ने पेश किया हुआ है बढ़िया है उसके ऊपर कैमरा मैन ने जिस तरह सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है वो भी अच्छा नजर आ रहा है कैमरा मैन ने जिस तरह से अपनी सिनेमेटोग्राफी के थ्रू सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश किया होता तो था वो काफ़ी इंप्रेसिव था वहाँ पर उनका काम टॉप टोपनोच देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो इंप्रेसिव था साथ ही में जो गाने थे वो ठीक ठाक थे उतने कुछ खास नहीं थे कुछ गानों की इस फिल्म में जरूरत भी नहीं थी वहीं पर डायलॉग से वो फिल्म के डिसेंट थे और फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन भी डिसेंट नजर आ रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि शरत मंदावा जिन्होंने फिल्म के साथ पूरी तरह से एक पैथेटिक जॉब प्ले की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस डेब्यू फिल्म के साथ अपने एज अ के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए ऐसा नजर आ रहा है उन्होंने रवि तेजा के किरदार को प्रॉपर इस फिल्म में लिखा नहीं है उनका रवि तेजा का जो स्टारडम है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया हुआ है उनके डायरेक्शन में एमलेस नज़र आता है उन्होंने ना तो एंटरटेनमेंट डिलीवर किया ना तो प्रॉपर एक्शन डिलीवर कर पाए ना तो कोई ड्रामा डिलीवर कर पाए तो ये सभी चीज़ें ना प्रॉपर वे में डिलीवर करने की वजह से सिर्फ़ एक ही चीज़ें ऑडियंस से ये फिल्म मांगती है वो है पेशेंट फिल्म ख़त्म होने तक अगर आपके पास पेशेंस है भरपूर मात्रा में तो ये फिल्म ख़त्म कर सकते हो अगर अदरवाइज ये फिल्म पूरी तरह से आपका पेशेंस टेस्ट करती हुई नजर आएगी फिल्म में जिस तरह से कैरेक्टर को चूज़ किया हुआ है कास्टिंग इमोशनल सीन्स सभी चीज़ें एक्शन ड्रामा कुछ भी वर्क नहीं करता है फिल्म के लिए फ़िल्म का जो ड्रामा है वो भी इमोशन से वो भी ग्रिपिंग नज़र नहीं आते थ्रिलिंग मोमेंट भी उतने कुछ खास नज़र नहीं आते इस फिल्म का फर्स्ट और सेकंड हाफ सभी चीज़ें पूरी फिल्म बोरिंग नज़र आ रही थी ओन एंड हॉल ड्रामा और रा ऑन ड्यूटी एक आउटडेटेड स्टोरी के साथ वही बोरिंग इमोशनल रेस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पर डायरेक्टर की वजह से फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है डायरेक्टर और राइटिंग डिपार्टमेंट का काम अगर मजबूत होता तो ये सभी चीज़ें बेटर हो सकती थी फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी डल मैनर में, में लिखा गया है लेन रन टाइम फिल्म के प्रति एक और नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और ऑडियंस को पूरी तरह से चीज़ें फ्रस्ट्रेट कर देती है अदरवाइज रवि तेजा की सिंसियर परफॉर्मेंस है उनके लिए अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो अदरवाइज फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसे देखा जा सके रवि तेजा की एक सिंसियर परफॉर्मेंस ही है जो फिल्म को थोड़ा ठीक ठाक बना पाती है अब हम बात करें इस फिल्म को कहाँ पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर तो पहले तो रिलीज के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ तो इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को तेलुगु वर्जन में थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे काफ़ी मल्टीपल रिलीज डेट चेंज करने के बाद फाइनल इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था उसके करीबन एक वीक के बाद यानी कि पाँच अगस्त के आसपास 2022 को इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी एक ठीक ठाक रिलीज दिलवाई हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था तो हिंदी तेलुगु वर्जन में दोनों वर्ज़न फिल्म को रिलीज़ किया जहाँ पे तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में फिल्म को आई एम पे टोटल पाँच वोट मिले तो छः वोट के आसपास वोट मिले हुए थे जिसमें सिर्फ पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सभी चीजें फिल्म, 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 सिर्फ, सिर्फ करने, करने फिल्म का बजट था पचास करोड़ तो पचास करोड़ के बजट के सामने सिर्फ सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन आया हुआ है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है दो दिनों में सात करोड़ तो फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई है रवि तेजा के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट डिजास्टर फिल्मों में से एक, एक फिल्म साबित हुई है जहां पे फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई थी बॉक्स ऑफिस पे अगर अब अभी आपको ये फिल्म ओ पे देखनी हो तो इसके ओ राइट्स खरीदे हुए सोनी लिव वालों ने तो तेलुगु वर्जन में ये फिल्म आपको करीबन थिएट्रिकल रिलीज के तीस पैंतीस दिनों के बाद सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर जो फिल्म का हिंदी वर्जन है उसको भी फॉरी मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा अब कब करवाया जाएगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है अब थिएट्रिकल रिलीज तो हो चुका है हिंदी वर्जन का और तेलुगु दोनों वर्जन का तो ये फिल्म शायद आपको सोनी लिव में भी हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकती है अगर भी फॉरी मोशन पिक्चर्स इसके राइट सोनी ल्यू को बेचते हैं अदरवाइज तो, इस फिल्म को पहले टेलीविजन पे प्रीमियर करवाया जाएगा वो बीफोर यू कड़क पे होता है या बीफोर यू मूवीज पे होता है या जी सिनेमा के ऊपर होता है वो अभी तक का प्रोपर डिस्क्रोसमेंट नहीं हुई है इनमें से कोई चैनल के ऊपर फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रीमियर करवाया जाएगा फ्री में उसके बाद यूट्यूब पे ऑफिशियली बीफोर यू मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया जाएगा अदरवाइज अगर जी सिनेमा इस फिल्म को प्रीमियर करवा रहे तो टेलीविजन पर तो शायद जी के ऊपर भी ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन

ऊपर आएगी अदर इस अदरवाइज इसका और एक एंगल है जहाँ पे फिल्म सोने लिव पे तेलुगु वर्जन के साथ हिंदी वर्जन में भी प्रीमियर करवाई जा सकती है लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है अब आने वाले समय में ही ये सभी चीज़ें पता चलेगी रामा राव ऑन ड्यूटी जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री एक्शन फिल्म है जहां पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन ये सभी चीजें शरत मंडावा ने किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर चेरू कुर्री ने इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रवि तेजा दिव्यांशा कौशिक राजेश विज्ञान और वेणु थोतेम पुरी इनके अलावा नजर नरेश पवित्रा लोकेश जॉन विजय चैतन्य कृष्णा तनिकला भरानी राहुल रामाकृष्णन थोतमपल्ली तो मधु श्री मधुसूदन राव सुरेखा वानी पृथ्वीराज छमक चंद्रा और आवेशी जैन का एक आइटम नंबर है तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ओवरऑल इतने ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सत्यान सूर्या ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग की हुई प्रवीण केले के एल ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 30 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों सेम एम सी ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक राइट से वो टी सीरीज लहरी म्यूजिक वालों ने ख़रीदे हुए जहाँ पे टोटल पाँच गाने जिसको कंपोज़ किया हुआ है सी uh, सीएमसीएस ने इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर बातचीत करें तो श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमा और आर टी टीम वर्क जहाँ पे आर टी टीम वर्क रवि तेजा का प्रोडक्शन कंपनी है तो दो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को 50 से साठ करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो ये एक ओवरऑल हाई बजट वाली फिल्म थी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फ़िल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म को पहले तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फ़िल्म को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज किया गया था करीबन एक दो वीक के बाद इस फिल्म का हिंदी वर्जन एक वीक के बाद फिल्म का हिंदी वर्जन प्रीमियर करवाया गया था

ुल्ली फॉरेस्ट ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में इसे अलग अलग के ऊपर शूट किया गया था इस प्रोडक्शन को बाद में स्पेन में ले जाया गया क्योंकि फिल्म में कुछ गाने जो स्पेन के लोकेशन में शूट किए हुए जिसको मार्च दो में शूट किया हुआ था और मार्च महीने में ही इस फिल्म के कुछ पेज वर्क के सीन्स थे उसको कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहां पे फिल्म को करीबन डेढ़ सौ मिनट जितना सेंसर करवाया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड

लिरिक्स लिखे हुए राके मोलि ने सिंगर थे सिद्ध श्रीराम गोतला बुगल्लो जिसके लिरिक्स लिखे हुए कल्याण चक्रवर्ती ने सिंगर थे हरिप्रिया और नकुल अभियानकर तीसरा गाना है ना जिसके लिरिक्स चंद्र बोस ने लिखे हुए सिंगर थे श्रेया घोषाल और सेम सी एस चौथा गाना है किंग ऑफ क्राउड रामा ऑन ड्यूटी टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए शरत मंडावा ने जो फिल्म के डिरेक्टर है और गाया हुआ है लविता लोबो ने पांचवा गाना है उशुरा गे जिसके लिरिक्स लिखे हुए कल्याण चक्रवर्ती ने और गाया हुआ श्री रामचंद्रा ने तो ये टोटल पांच गाने जिसको आप भी ऑफिशियली यूट्यूब पे टी सीरीज लहरी म्यूजिक के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुन सकते हो अब बात करें कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो रवि तेजा ने बी रामाव यानी कि डिप्यूटी कलेक्टर एम आर ओ का रोल प्ले किया हुआ है दिव्यांशा कौशिक नंदनी के रोल में दिखाई देंगे राजेश अभिजयन को मालिनी का रोल दिया गया था वेणु थोत्मपुड़ी ने सीआई जमी मुरली का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने प्रसाद राव का रोल प्ले किया हुआ है जो रामा राव के फादर है नरेश को रामाव के फादर इन लोगों का रोल दिया गया था पवित्रा लोकेश ने इस फिल्म में महालक्ष्मी वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो रामा राव की माँ है जॉन विजय ने एस पी देवानंद का रोल प्ले किया हुआ है चैतन्य कृष्णा को सुरेंद्र का रोल दिया गया था तनिकला परानी ने इस फिल्म कलेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है राहुल रामाकृष्णन आपको आनंद के रोल में दिखाई देंगे तो पल्ली मधु को एम एल सत्यनारायण का रोल दिया गया है इसके अलावा अवेसी जैन का शीशा नाम का जो किरदार है जो एक आइटम सॉन्ग में देखने को मिलता है ना पेरो साकर का आइटम नंबर है उसमें उसमें उन्होंने अपना दिया हुआ है तो इस फिल्म के कुछ ये प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार को प्ले किए हुए कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी को नाइनटीन में सेट किया हुआ है जहाँ पे रामा राव यानी कि रवि तेजा एक रिवेन्यू ऑफिसर है जो करप्शन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते वो करप्शन से पूरी तरह से नफरत का त्यौहार है किसी एक दिन वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड मालिनी से मिलते है जिसका रोल प्ले कर राजेशा विजयन वो उसके सामने अपने पति की कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ मिसिंग चीजें वो उसके सामने रिवील करती है और उससे मदद मांगती है रामा राव इस केस के ऊपर में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं गांव के उसके ऊपर उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने लगती है वो लोग किस तरह से मिसिंग हो रहे हैं उसके अलावा उसके साथ साथ रेड सैंडलवुड की जो स्मगलिंग हो रही है उसके रिलेटेड कुछ केस दिखाए हुए हैं तो वो किस तरह से कनेक्टेड है इन सभी चीज़ों के पीछे कौन है रामा राव इसको किस तरह से सोल्व करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पर फिल्म के प्लॉट को एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में सेट किया हुआ था जहाँ पे रवि तेजा ने इस फिल्म में एक सिंसियर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए रेवेन्यू ऑफिसर के रोल में वो काफ़ी सिंसियरली अपना काम करते हुए नजर आते हैं उनकी परफॉर्मेंस खास करके फिल्म के सेकंड हाफ को काफ़ी दमदार बनाती है उन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स दिखाए हुए उस सीन्स में जिस तरह से रवि तेजा का जो कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी ओवरऑल रवि तेजा इस फिल्म की सोल है जहाँ पर वो पूरी तरह से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं अदरवाइज जो नेरेशन है वो काफी जगह पे लिख करता हुआ नजर आता है नजर इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते जहाँ पे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है तनी क़िला भरानी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने इम्पोर्टेंट किरदार को प्ले किया हुआ है तोतेम पुडु वेनू ने इस फिल्म के साथ एक बढ़िया कम किया हुआ है उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था और उस किरदार में जो नेगेटिव सेड वाला किरदार था उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में काफ़ी बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे उनके जो डायलॉग्स थे जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किए हुए आपको ज़रूर पसंद आएगी उनके रोल में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को पकड़ने में कामयाब रहे जहाँ पे इस फिल्म के माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से किया हुआ है स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन सारथ मंडावा ने जिस तरह से एक डिसेंट प्लॉट को नेरेट किया हुआ है वो पूरी तरह से बोरिंग नजर आता है काफ़ी फ्लेट नोट के साथ फिल्म जा रही है और फिल्म के कई सीन्स में तो हाथ पेयर नज़र नहीं आते लॉजिक वाले लॉजिक बिना लॉजिक के सीन्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से प्रोसीडिंग देखने को मिलती है वो किसी भी प्रकार का ऑडियंस में इंटरेस्ट क्लियर करने में कामयाब नहीं होती जहाँ पे इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी लेंदे रखा हुआ है जहाँ पे कोई प्रॉपर विलन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है प्रॉपर वे में इस फिल्म में कुछ भी स्टेब्लिश नहीं किया हुआ है इस फिल्म में दो हीरोइन देखने को मिलती है जहाँ पे उनके जो कहानी में जिस तरह से उनको सेटअप किया हुआ है वो टीवी सीरियल के आर्टिस्ट हो ऐसा नजर आ रहा था उनको काफ़ी डल मैनर में फिल्म में दिखाया हुआ है इस फिल्म में कोई प्रॉपर विलन ना होने की वजह से केस जिस तरह से इजी सॉल्व होता है वो सभी चीज़ें आपको काफ़ी खटकती है इसके अलावा फिल्म में कोई प्रॉपर इमोशंस देखने को नहीं मिलते जिस तरह चीज़ों को नेरेट किया हुआ है वो कुछ नहीं कुछ क्रिपिंग नज़र नहीं आती है और जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी फेक लगता है इसके अलावा फिल्म में जो ओवर एक्ट करता हुआ मेन विलन देखने को मिलता है जो ऑडियंस को पूरी तरह से इरीटेट करता हुआ नजर आएगा सेकेंड हाफ में उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्या पता किस तरह से सभी चीज़ों को डाला हुआ था वो जरा भी इम्प्रेसिव नहीं थी इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म में मेन तो क्या होना चाहिए फिल्म क्रिपिंग होनी चाहिए सस्पेंस जो इन्वेस्टिगेशन वाले सीन है जिस तरह से जो किरदार दिखाए जाते हैं उस केस के थ्रू कुछ कन्फ्यूजन ऑडियंस के मन में क्रिएट होना चाहिए लेकिन ये सभी चीज़ों में ये फिल्म फेल हो जाती है इस फिल्म में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसको हमारे सामने इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाई हो पूरी तरह से फिल्म को बिग बगैर कोई डे डेक्शन के डिडिरेक् किया हो ऐसा नज़र आ रहा था फिल्म में कई सीन्स लंबे लंबे खींचे हुए थे बेफालतू तो खींचे हुए थे कुछ चीन तो बिना लॉजिक के स्टोरी के साथ क्यों अटैच किए तो वो नहीं पता चल रहा था और एक तो बड़ा सबसे बड़ा जोक ये है कि जिस तरह से फिल्म को एंड किया जाता है उससे बताया जाता है कि इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है पहला पार्ट तो ढंग से कर लो। उसके बाद के बारे में सोचना कैमरा तो वर्क काफी नाइन्टीज का काफी उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है उस में जिस तरह से सभी चीजों को हमारे सामने आर्ट डायरेक्टर ने पेश किया हुआ है बढ़िया है उसके ऊपर कैमरा मैन ने जिस तरह सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है वो भी अच्छा नजर आ रहा है कैमरा मैन ने जिस तरह से अपनी सिनेमेट फी के थ्रू सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश किया होता तो था वो काफ़ी इंप्रेसिव था वहां पे उनका काम टॉप टोकनो देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो इंप्रेसिव था साथ ही में जो गाने थे वो ठीक ठाक थे उतने कुछ खास नहीं थे कुछ गानों की फिल्म में जरूरत भी नहीं थी वहीं पर डायलॉग से वो फिल्म के डिसेंट थे और फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन भी डिसेंट नजर आ रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि शरत मंदावा जिन्होंने फिल्म के साथ पूरी तरह से एक पैथेटिक जॉब प्ले की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस डेब्यू फिल्म के साथ अपने एज अ डायरेक्टर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिया ऐसा नजर आ रहा है उन्होंने रवि तेजा के किरदार को प्रॉपर इस फिल्म में लिखा नहीं है उनका रवि तेजा का जो स्टारडम है उसका प्रॉपर यूज नहीं किया हुआ है उनके डायरेक्शन में एमलेस नजर आता है उन्होंने ना तो एंटरटेनमेंट डिलीवर किया ना तो प्रॉपर एक्शन डिलीवर कर पाए ना तो कोई ड्रामा डिलीवर कर पाए तो ये सभी चीजें ना प्रॉपर वे में डिलीवर करने की वजह से सिर्फ एक ही चीज़ ऑडियंस से ये फिल्म मांगती है वो है पेशेंट फिल्म खत्म होने तक अगर आपके पास पेशेंस है भरपूर मात्रा में तो ये फिल्म ख़त्म कर सकते हो अगर अदरवाइज ये फिल्म पूरी तरह से आपका पेशेंस टेस्ट करती हुई नजर आएगी फिल्म में जिस तरह से कैरेक्टर को चूज़ किया हुआ है कास्टिंग इमोशनल सीन्स सभी चीज़ें एक्शन ड्रामा कुछ भी वर्क नहीं करता है फिल्म के लिए फिल्म का जो ड्रामा है वो भी इमोशन से वो भी ग्रिपिंग नज़र नहीं आते थ्रिलिंग मोमेंट भी उतने कुछ खास नज़र नहीं आते इस फिल्म का फर्स्ट और सेकंड हाफ सभी चीज़ें पूरी फिल्म बोरिंग नजर आ रही थी ओन एंड होल ड्रामा और ओन ड्यूटी एक आउटडेटेड स्टोरी के साथ वही बोरिंग इमोशनल रेस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे डायरेक्टर की वजह से फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है डायरेक्टर और राइटिंग डिपार्टमेंट का काम अगर मजबूत होता तो ये सभी चीज़ें बेटर हो सकती थी फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी डल मैनर में लिखा गया है लेन रन टाइम फिल्म के प्रति एक और नेगेटिव इम्पेक्ट डालता है और ऑडियंस को यह पूरी तरह से चीज़ें फर्स्ट्रेट कर देती है अदरवाइज रवि तेजा की सेंसियर परफॉर्मेंस है उनके लिए अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो अदरवाइज़ फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसे देख

2022 को इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी एक ठीक ठाक रिलीज दिलवाई हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था तो हिंदी तेलुगु वर्जन में दोनों वर्जन फिल्म को रिलीज किया जहाँ पे तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में फिल्म को आई पे टोटल पांच वोट मिले तो छे वोट के आसपास वोट मिले हुए थे जिसमे सिर्फ पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सभी चीजें फिल्म के हित में नहीं गई क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी नेगेटिव और

अगर आप अभी आपको ये फिल्म ओ टी टी देखनी हो तो इसके ओ टी टी राइट्स ख़रीदे हुए सोनी लिव वालों ने तो तेलुगु वर्जन में ये फ़िल्म आपको करीबन थिएट्रिकल रिलीज़ के तीस पैंतीस दिनों के बाद सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर जो फिल्म का हिंदी वर्जन है उसको भी यू मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा अब कब करवाया जाएगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो हो चुका है हिंदी वर्जन का और तेलुगु दोनों वर्जन का तो ये फिल्म शायद आपको सोनी लिव में भी हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकती है अगर बिफोर यू मोशन पिक्चर्स इसके राइट सोनी लिव को बेचते हैं तो अदरवाइज इस फिल्म को पहले टेलीविजन पर प्रीमियर करवाया जाएगा वो बिफोर यू कड़क पे होता है या बिफोर यू मूवीज़ पे होता है या जी सिनेमा के ऊपर

जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन ये सभी चीजें शरत मंडावा ने किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर सुधाकरी ने इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रवि तेजा दिव्यांशा कौशिक राजीशा विज्ञान और वेणु थोतेमपुरी इनके अलावा नजर नरेश पवित्रा लोकेश जॉन विजय चैतन्य कृष्णा तनिकला भरानी राहुल रामा कृष्णन थोतमपल्ली तो मधु श्री मधुसूदन रावर सुरेखा वानी पृथ्वीराज छमक चंद्रा और आवेशी जैन का एक आइटम नंबर है तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ओवरऑल इतने ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में प्रोमिनेंट इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सत्याान सूर्या ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग की हुई है प्रवीण के एल ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 30 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों सेम एम सी ने कम्पोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक राइट वो टी सीरीज लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए जहाँ पे टोटल पाँच गाने जिसको कंपोज़ किया हुआ है सी एम सी एस ने इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर बातचीत करें तो श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमा और आर टी टीम वर्क जहाँ पे आर टी टीम वर्क रवि तेजा का प्रोडक्शन कंपनी है तो दो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को 50 से 60 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो ये एक ओवरऑल हाई बजट वाली फ़िल्म थी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म को पहले तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फ़िल्म को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज़ किया गया था करीबन एक दो वीक के बाद इस फिल्म का हिंदी वर्ज़न एक वीक के बाद फिल्म का हिंदी वर्जन प्रीमियर करवाया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को टेंटेटिव टाइटल दिया गया था आर टी सिक्सटी एट जहाँ पे रवि तेजा की अड़सठवीं फिल्म थी तो इस तरह से फिल्म का टाइटल अनाउंस करते हुए एक प्रॉपर अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद में जुलाई 2021 में एक ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि रवि तेजा की जो अड़सठवीं फिल्म है उसका नाम रामारा ऑन ड्यूटी होने वाला है बाद में एक जुलाई दो से हैदराबाद में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी फिल्म की जो फाइनल शूटिंग है उसको अक्टूबर दो में सेट किया गया था इस फिल्म को हमारे दोली फॉरेस्ट ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में इसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर शूट किया गया था इस प्रोडक्शन को बाद में स्पेन में ले जाया गया क्योंकि फिल्म में कुछ गाने जो स्पेन के लोकेशन में शूट किए हुए जिसको मार्च दो में शूट किया हुआ था और मार्च महीने में ही इस फिल्म के कुछ पेज वर्क के सीन्स थे उसको कम्प्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहाँ पे फिल्म को करीबन डेढ़ सौ मिनट जितना सेंसर करवाया हुआ था जिसको सेंसर

जिसके लिरिक्स लिखे हुए कल्याण चक्रवर्ती ने और गाया हुआ है श्री रामचंद्र ने तो ये टोटल पांच गाने जिसको आप भी ऑफिशियली यूट्यूब पे टी सीरीज लहरी म्यूजिक के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुन सकते हो अब बात करें कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो रवि तेजा ने बी रामाव यानी कि डिप्यूटी कलेक्टर एम आर ओ का रोल प्ले किया हुआ है दिव्यांशा कौशिक नंदनी के रोल में दिखाई देंगे राजेश अभिजयन को मालिनी का रोल दिया गया था वेणु थोत्मपुड़ी ने सीआई जम्मी मुरली का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने प्रसाद राव का रोल प्ले किया हुआ है जो रामाव के फादर है नरेश को रामाव के फादर इन लोगों का रोल दिया गया था पवित्रा लोकेश ने इस फिल्म में महालक्ष्मी वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो रामा राव की माँ है जॉन विजय ने एस पी देवानंद का रोल प्ले किया हुआ है चैतन्य कृष्णा को सुरेंद्र का रोल दिया गया था तनिकेला परानी ने इस फिल्म कलेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है राहुल रामाकृष्णन आपको आनंद के रोल में दिखाई देंगे तो पल्ली मधु को एम एल ए सत्यनारायण का रोल दिया गया है इसके अलावा आमे सीजन का शीशा नाम का जो किरदार है जो एक आइटम सॉन्ग में देखने को मिलता है ना पेरो शीशा करके आइटम नंबर है उसमें उसमें उन्होंने अपना कैम्यूपिर दिया हुआ है तो इस फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इम्पोर्टेंट किरदार को प्ले किए हुए कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी को नाइनटीन में सेट किया हुआ है जहाँ पे रामा राव यानी कि रवि तेजा एक रिवेन्यू ऑफिसर है जो करप्शन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते वो करप्शन से पूरी तरह से नफरत का तैयार है किसी एक दिन वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड मालिनी से मिलते है, जिसका रोल प्ले कर राजेशा विजयन वो उसके सामने अपने पति की कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ मिसिंग चीज़ें वो उसके सामने रिवील करती है और उससे मदद मांगती है रामा राव इस केस के ऊपर में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं गाँव के उसके ऊपर उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने लगती है वो लोग किस तरह से मिसिंग हो रहे हैं उसके अलावा उसके साथ साथ रेड वुड की जो स्मगलिंग हो रही है उसके रिलेटेड कुछ केस दिखाए हुए तो वो किस तरह से कनेक्टेड है इन सभी चीज़ों के पीछे कौन है रामाराव इसको किस तरह से सोल्व करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बना दी जहाँ पे फिल्म के प्लॉट को एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में सेट किया हुआ था जहाँ पे रवि तेजा ने इस फिल्म में एक सिंसियर परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है रेवेन्यू ऑफिसर के रोल में वो काफ़ी सिंसियरली अपना काम करते हुए नजर आते हैं उनकी परफॉर्मेंस खास करके फिल्म के सेकेंड हाफ को काफ़ी दमदार बनाती है उन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स दिखाए हुए उस सीन्स में जिस तरह से रवि तेजा का जो कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आएगी ओवरऑल रवि तेजा इस फिल्म की सोल है जहाँ पे वो पूरी तरह से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं अदरवाइज जो नेरेशन है वो काफी जगह पे लिख करता हुआ नजर आता है नजर इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है तनी कला भरानी ने काफी बढ़िया तरीके से अपने इंपोर्टेंट किरदार को प्ले किया हुआ है तो में जो नेगेटिव सेड वाला किरदार था उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग मैनर में काफी बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है जहाँ पर उनके जो डायलॉग्स थे जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किए हुए आपको जरूर पसंद आएगी उनके रोल में वो काफी बढ़िया तरीके से फिल्म को पकड़ने में कामयाब रहे जहाँ पे इस फिल्म के माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से किया हुआ है स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन सारथ मंडावा ने जिस तरह से एक डिसेंट प्लॉट को नेरेट किया हुआ है वो पूरी तरह से बोरिंग नज़र आता है काफ़ी फ्लेट नोट के साथ फिल्म जा रही है और फिल्म के कई सीन्स में तो हाथ पैर नज़र नहीं आते लॉजिक वाले लॉजिक बिना लॉजिक के सीन्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से प्रोसीडिंग देखने को मिलती है वो किसी भी प्रकार का ऑडियंस में इंटरेस्ट क्लियर करने में कामयाब नहीं होती जहाँ पे, इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी रखा हुआ है जहाँ पे कोई प्रॉपर विलन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है प्रॉपर वे में इस फिल्म में कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है इस फिल्म में दो हीरोइन देखने को मिलती है जहाँ पे उनके जो कहानी में जिस तरह से उनको सेटअप किया हुआ है वो टीवी सीरियल के आर्टिस्ट हो ऐसा नज़र आ रहा था उनको काफ़ी डल मैनर में फिल्म में दिखाया हुआ है इस फिल्म में कोई प्रॉपर विलन ना होने की वजह से केस जिस तरह से इजी सॉल्व होता है वो सभी चीज़ें आपको काफ़ी खटकती है इसके अलावा फिल्म में कोई प्रॉपर इमोशंस देखने को नहीं मिलते जिस तरह चीज़ों को नेरेट किया हुआ है वो कुछ कुछ क्रिपिंग नजर नहीं आती है और जिस तरह से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी फेक लगता है इसके अलावा फिल्म में जो ओवर एक्ट करता हुआ मेन विलन देखने को मिलता है जो ऑडियंस को पूरी तरह से इरीटेट करता हुआ नजर आएगा सेकंड हाफ में उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्या पता किस तरह से सभी चीज़ों को डाला हुआ था वो ज़रा भी इम्प्रेसिव नहीं थी इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म में मेन तो क्या होना चाहिए फिल्म क्रिपिंग होनी चाहिए सस्पेंस जो इन्वेस्टिगेशन वाले सीन है जिस तरह से जो किरदार दिखाए जाते हैं उस केस के थ्रू कुछ कन्फ्यूज़न ऑडियंस के मन में क्रिएट होना चाहिए लेकिन ये सभी चीज़ों में ये फिल्म फेल हो जाती है इस फिल्म में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसको हमारे सामने इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाई हो पूरी तरह से फिल्म को बिग बगैर कोई डे डिरशन के डिडिर किया हो ऐसा नज़र आ रहा था फिल्म में कई सीन्स लंबे लंबे खींचे हुए थे बेफालतू खींचे हुए थे कुछ सीन तो बिना लॉजिक के स्टोरी के साथ क्यों अटैच किए तो वो नहीं पता चल रहा था और एक तो बड़ा सबसे बड़ा जोक ये है कि जिस तरह से फिल्म को एंड किया जाता है उससे बताया जाता है कि इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है पहला पार्ट तो ढंग से डिरेक्ट कर लो उसके बाद सीक्वल के बारे में सोचना प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी डिसेंट थी जहाँ पे फिल्म का कैमरा वर्क काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है नाइन्टीज का जो सेटअप था उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है उस सेटअप में जिस तरह से सभी चीज़ों को हमारे सामने आर्ट डायरेक्टर ने पेश किया हुआ है बढ़िया है उसके ऊपर कैमरा मैन ने जिस तरह सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो भी अच्छा नजर आ रहा है कैमरा मैन ने जिस तरह से अपनी सीनेमेटक के थ्रू सभी चीजों को हमारे सामने पेश किया हुआ था वो काफी इंप्रेसिव था वहां पे उनका काम टॉप टोपनो देखने को मिलता है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो इंप्रेसिव था साथ ही में जो डायलॉग से वो फिल्म के डिसेंट थे और फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन भी डिसेंट नजर आ रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि शरत मंदावा जिन्होंने फिल्म के साथ पूरी तरह से एक पैथेटिक जॉब प्ले की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस डेब्यू फिल्म के साथ अपने एज ए डिरेक्टर के दरवाजे पूरी तरह से बन कर लिया ऐसा नजर आ रहा है उन्होंने रवि तेजा के किरदार को प्रॉपर इस फिल्म में लिखा नहीं है उनका रवि तेजा का जो स्टारडम है 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 उसका प्रॉपर यूज नहीं किया हुआ है। उनके डायरेक्शन में नजर आता है। उन्होंने ना तो प्रॉपर एक्शन डिलीवर कर पाए ना तो कोई ड्रामा डिलीवर कर पाए तो ये सभी चीजें ना प्रॉपर वे में डिलीवर करने की वजह से सिर्फ एक ही चीज ऑडियंस से ये फिल्म मांगती है वो है पेशेंट फिल्म खत्म होने तक अगर आपके पास पेशेंस है भरपूर मात्रा में तो ये फिल्म ख़त्म कर सकते हो अगर अदरवाइज ये फिल्म पूरी तरह से आपका पेशेंस टेस्ट करती हुई नज़र आएगी फिल्म में जिस तरह से कैरेक्टर को चूज़ किया हुआ है कास्टिंग इमोशनल सीन्स सभी चीज़ें एक्शन ड्रामा कुछ भी वर्क नहीं करता है फिल्म के लिए फिल्म का जो ड्रामा है वो भी इमोशन से वो भी ग्रिपिंग नज़र नहीं आते थ्रिलिंग मोमेंट भी उतने कुछ खास नज़र नहीं आते इस फिल्म का फर्स्ट और सेकंड आप सभी चीज़ें पूरी फिल्म बोरिंग नजर आ रही थी ओन एंड हॉल ड्रामा और ओन ड्यूटी एक आउटडेटेड स्टोरी के साथ वही बोरिंग इमोशनल रेस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे डायरेक्टर की वजह से फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आती है डायरेक्टर और राइटिंग डिपार्टमेंट का काम अगर मजबूत होता तो ये सभी चीज़ें बेटर हो सकती थी फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी डल मैनर में लिखा गया है लेन रन टाइम फिल्म के प्रति एक और नेगेटिव इंपैक्ट डालता है और ऑडियंस को पूरी तरह से चीज़ें फ्रस्ट्रेट कर देती है अदरवाइज रवि तेजा की सीन से और परफॉर्मेंस है उनके लिए अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो अदरवाइज फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसे देख जा सके रवि तेजा की एक सिंसियर परफॉर्मेंस है जो फिल्म को थोड़ा ठीक ठाक बना पाती है अब हम बात करें इस फिल्म को कहां पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर तो पहले तो रिलीज के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ तो इस फिल्म को उनतीस जुलाई दो को तेलुगु वर्जन में थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे काफ़ी मल्टीपल रिलीज डेट चेंज करने के बाद फाइनल इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था उसके करीबन एक वीक के बाद यानी कि पाँच अगस्त के आसपास 2022 को इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी एक ठीक ठाक रिलीज दिलवाई हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था तो हिंदी तेलुगु वर्ज़न में दोनों वर्ज़न फिल्म को रिलीज़ किया जहाँ पे तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में फिल्म को आई पे टोटल पाँच वोट मिले तो छः वोट के आसपास वोट मिले हुए थे जिसमें सिर्फ पाँच की रेटिंग हासिल

करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट डिजास्टर फिल्मों में से एक, एक, एक फिल्म साबित हुई है, जहां पे फिल्म पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई थी बॉक्स ऑफिस पे। अगर अब अभी आपको ये फिल्म ओ पे देखनी हो तो इसके ओ टी राइट्स खरीदे हुए सोनी लिव वालों ने तो तेलुगु वर्जन में ये फिल्म आपको करीबन थिएट्रिकल रिलीज के तीस पैंतीस दिनों के बाद सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म का हिंदी वर्जन है उसको भी फॉरी इमोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा अब कब करवाया जाएगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो हो चुका है हिंदी वर्जन का और तेलुगु दोनों वर्ज़न का तो ये फिल्म शायद आपको सोनी लिव में भी हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकती है अगर भी फॉरी मोशन पिक्चर्स इसके राइट सोनी लिव को बेचते हैं तो अदरवाइज इस फिल्म को पहले टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाया जाएगा वो बीफोर यू कड़क पे होता है या बीफो यू मूवीज़ पे होता है या जी सिनेमा के ऊपर होता है वो अभी तक का प्रॉपर डिस्क्रोसमेंट नहीं हुई है इनमें से कोई चैनल के ऊपर फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रीमियर करवाया जाएगा फ्री में उसके बाद यूट्यूब पे ऑफिशियली बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया जाएगा अदरवाइज़ अगर जी सिनेमा इस फिल्म को प्रीमियर करवा रहे तो टेलीविजन पर तो शायद जी के ऊपर भी ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन

पर आएगी अदर इस अदरवाइज इसका और एक एंगल है जहां पे फिल्म सोनी लिव पे तेलुगु वर्जन के साथ हिंदी वजन में भी प्रीमियर करवाई जा सकती है लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है अब आने वाले समय में ही ये सभी चीजें पता चलेगी तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर भी जानकारी दे दी है इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी एनालिसिस स्टोरी एक्सप्लेनेशन की हुई है स्टार कास्ट एक्ष्ट सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रॉपर रिव्यू दिया हुआ है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू